हेलो एंड वेलकम बैक टू कंपटीशन कम्युनिटी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में। आप लोग देख रहे हैं एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल का यूट्यूब कोर्स, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्री। ये पार्ट 5 वीडियो है ज्योमेट्री का। तो इसमें हम खास क्या देखने वाले हैं, तो इसमें हम देखने वाले हैं सिमिलर ट्रायंगल्स यानी एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ये सिमिलर ट्रायंगल्स जो है और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ज्योमेट्री के सभी पार्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, 4 क्वेश्चन आते हैं। तो ज्योमेट्री की पूरी सीरीज अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और इसके कॉन्सेप्ट के जरिए ही अगर आप एसएससी सीजीएल के ही पर्सपेक्टिव से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेंस में ज्योमेट्री का वेटेज बहुत ज्यादा हो जाता है। मेंसुरेशन के बहुत सारे सवाल जो है वो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारी चीजें शुरू से आखिरी तक देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ आपका यहां पर प्रिपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है और इससे क्या क्या रिजल्ट हमें यूज करने होते हैं। तो सबसे पहली बात, सिमिलर ट्रायंगल्स हम समझेंगे, ठीक है, समान त्रिभुज। उसके बाद फिर हम यहां पर इसके कॉन्सेप्ट पर भी, इसके क्वेश्चंस पर भी आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल देखिए यहां पर इसका मतलब क्या होता है, सेम शेप ऑफ टू फिगर्स एंड साइज मे और मे नॉट बी सेम। देखिए सिमिलैरिटी का मतलब यह होता है कि अगर यहां पर दो समान आकार के आपको यहां पर फिगर्स दे दिया जाए, जैसे कि यहां पर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल को खींच कर बड़ा कर दिया गया तो ये इस तरीके का बन गया। मतलब शेप सेम है, साइज अलग है, शेप अगर सेम है, साइज अलग अलग है, तो इसे हम सिमिलर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब शेप सेम है, इसका हम डिटरमाइन कैसे करें कि ये दोनों के शेप सेम है, तो उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। कैसे हम कह सकते हैं कि ये दोनों समान है, समान आकार के हैं लेकिन साइज अलग अलग है, तो उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। एक एक करके समझते हैं। यहां पे देखिए सिमिलैरिटी को समझने के लिए सबसे पहली बात, दो एंगल बराबर होने चाहिए। देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने यहां पर एक फिगर बना हुआ है एबीसी ट्रायंगल का और पीक्यूआर ट्रायंगल का। यदि आपसे कोई कहे कि एंगल ए बराबर एंगल पी है, मतलब ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल, साथ में कोई कहे कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू है, कि ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल, तो जैसे ही आप किसी ट्रायंगल के दो एंगल को इक्वल कर देते हैं, उसी क्षण तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहां पर अगर मैंने ये कह दिया कि दो कोण है, पहला कोण ए दूसरा कोण पी, ये दोनों इक्वल है, और यहां पर एंगल बी बराबर एंगल क्यू, ये दोनों इक्वल है। अगर यहां पर ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल है, तो बाय डिफॉल्ट तीसरा एंगल सी बराबर एंगल आर हो जाता है, दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एंगल एबीसी सिमिलर टू एंगल पीक्यूआर, ये साइन जो है सिमिलैरिटी का साइन होता है। इसमें आप एक चीज ध्यान रखना, कॉन्सेप्चुअल चीज है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपने यहां ट्रायंगल एबीसी के आगे सिमिलैरिटी का साइन लगाकर ट्रायंगल पीक्यूआर लिख दिया, तो इसका मतलब ये होता है कि एंगल ए बराबर एंगल पी होगा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू होगा, एंगल सी बराबर एंगल आर होगा। उस ऑर्डर को आप चेंज अब नहीं कर सकते, तो वो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहां पर ऑर्डर लिख रहे हैं, उसी ऑर्डर में एंगल्स इक्वल होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स, पहले पॉइंट। दूसरी पॉइंट कि हम सिमिलैरिटी को चेक कर सकते हैं एस 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 से। तो ये तो हो गया ए ए, कहीं कहीं पे आपको ए ए ए दिखाई देता है, बट ए ए इज मोर देन सफिशिएंट। दो एंगल अगर इक्वल हो गया तो तीसरा एंगल को बाय डिफॉल्ट इक्वल होना ही पड़ता है किसी ट्रायंगल में, और अगर कोई भी दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर ट्रायंगल्स कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं एस एस एस, ऑल साइड्स आर इन सेम रेशियो। देखिए अगर यहां सारे साइड्स जो है वो सेम रेशियोज में हो गए, यानी कि ए बी बाय पी क्यू बराबर बी सी बाय क्यू आर बराबर सी ए बाय आर पी हो गया, मतलब यहां पर ए बी बाय पी क्यू बराबर बी सी बाय क्यू आर बराबर सी ए बाय आर पी हो गया, तो ऐसे कंडीशन में भी इसे हम सिमिलर ट्रायंगल्स ही कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गई बात, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ये ट्रायंगल ए बी सी जो है इस केस में भी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर हो जाएगा। तीसरा कंडीशन, कोई भी दो साइड्स जो है वो रेशियो में होंगे, जैसे कि ए बी बाय बी ए बी बाय पी क्यू और बी सी बाय क्यू आर, ए बी बाय पी क्यू और बी सी बाय क्यू आर, और साथ में इसके बीच का इंक्लूडेड एंगल सेम होगा, यानी कि इंक्लूडेड एंगल इक्वल होगा एंगल बी बराबर एंगल क्यू। तो ये जो है इसके बीच का इंक्लूडेड एंगल है। जैसे कि हमने क्या क्या देखा,
ए बी वाई पी क्यू बराबर बी सी वाई क्यू आर कहा तो इसके बीच में इंक्लूडेड एंगल यही वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल जो है ये दोनों में इक्वल लिया हुआ है, एंगल बी बराबर एंगल, इसे हम कहेंगे एस ए एस सिमिलैरिटी से ये दोनों जो है त्रिभुज समान है। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। किस तरीके से हम किसी भी दो ट्रायंगल को समान कह सकते हैं, तीन तरीके हैं, या तो दो एंगल इक्वल हो जाए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, या फिर तीनों साइड्स रेशियो में रहे, या फिर यहां पर जो दो साइड्स का रेशियो के साथ उसके इंक्लूडेड एंगल, ऐसा नहीं कि आपने इन दोनों साइड को बता दिया कि ये रेशियो में और तीसरे साइड कोई और ले रहे हैं, ऐसा नहीं ले सकते। ये जो दो साइड अगर आपने रेशियो में है बताया उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए, तब जाके ये सिमिलर ट्रायंगल होगा। क्लियर, ये तीनों यहां पर सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अब जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तब क्या क्या रिजल्ट हम लगा सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, जैसे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए ए टू बी टू सी टू, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, दो ट्रायंगल है, ठीक है। पहला वाला ए वन बी वन सी वन, दूसरा ए टू बी टू सी टू, ये दो ट्रायंगल। जैसे ही ऑल करस्पॉन्डिंग लेंथ इज इन सेम रेशियो, मतलब सबसे पहली बात अगर ट्रायंगल ए वन बी वन सी वन सिमिलर टू ए टू बी टू सी टू हो गया तो जितने भी लेंथ इसके हैं और जितने भी लेंथ करस्पॉन्डिंग इसके हैं उसका रेशियो सेम होता है, रेशियो नहीं बदलेगा। मतलब कि अगर यहां पर साइड का रेशियो 3:4 हो गया, साइड के रेशियो की मैं बात कर रहा हूं, भुजा के रेशियो की बात कर रहा हूं, तो ए वन बाय बी वन बाय ए टू बाय बी टू ये भी सेम रेशियो रहेगा, 3:4 रहेगा, बी वन सी वन इस टू बी टू सी टू भी वही रहेगा, सी वन ए वन इस टू सी टू बी टू सी टू ए टू भी यही रहेगा। केवल इतना ही नहीं, अब यहां से आप कोई हाइट भी ले लीजिए, ऑल्टीट्यूड भी ले लीजिए। जैसे ऑल्टीट्यूड में यहां से बनाऊं, ए से यहां पे बनाया मैंने, ए एच वन ए है, एच वन इसलिए क्योंकि पहले वाले ट्रायंगल की बात हो रही है और ए इसलिए क्योंकि ए वाले वर्टेक्स से निकला है, तो एच वन ए जो है वही यहां पर एच टू जो ए से निकला हुआ इसके हाइट के बराबर रहेगा, मतलब इसका रेशियो भी 3:4 का होगा। साथ में ये एच वन भी है, यहां से मैंने यहां पर एक दूसरा यहां से एक परपेंडिकुलर बनाया बी वन पॉइंट से जिसका नाम मैंने दिया एच वन बी, यहां से भी मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया जिसका नाम हमने रखा एच टू बी, ये वाले साइड ये वाला हाइट ये भी उसी रेशियो में रहेगा। यही नहीं, इसके जो अंदर में एक सर्कल बनता है इन सर्कल, ठीक है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। इन सर्कल का जो रेडियस है आर वन और आर टू, इसका रेडियस आर वन बाय आर टू है, ये भी सेम रेशियो में रहेगा। यही नहीं, ऊपर जो परिकेंद्र बनता है सर्कम सेंटर, ठीक है, सर्कम सर्कल, इसका रेडियस भी आर वन बाय आर टू सेम रहेगा। पेरीमीटर यानी कि इसका परिमाप पहले वाले त्रिभुज का और दूसरे वाले त्रिभुज का, इसका भी अनुपात 3:4 रहेगा। एक बार जो अनुपात फिक्स हो गया लेंथ का वो अनुपात चलता रहेगा, चाहे वो 3:4 हो या कोई भी अनुपात हो, वो फिर चेंज नहीं होगा, वो पूरे के पूरे चलता रहेगा आखिर तक। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं, एरिया की बात करते हैं। रेशियो ऑफ एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग लेंथ, यानी कि समझिए मैं आपको ये बात समझा देता हूं कि अगर दो ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, इसके लेंथ की बात किए तो रेशियो 3:4 था सपोज, तो जब एरिया की बात होगी, एरिया ऑफ पहले वाला ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दूसरा वाला ट्रायंगल जो होगा वो इस रेशियो का वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि पहला वाला अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3:4 था तो अब एरिया का जो रेशियो हो जाएगा ये 3:4 का स्क्वायर बन जाएगा, मतलब कि 9/16। इस चीज का आप अच्छे से नोट बना के रखिएगा कि अगर ये अनुपात 3:4 है तो ये अब 9:16 होगा, इसका वर्ग हो जाएगा। यही चीज आप मेंसुरेशन में भी, जब कोई कोण को काटा जाता है, यानी कि किसी शंकु को हम काटते हैं इस तरीके से बीच बीच से काटकर क्वेश्चन बनते हैं ना शंकु का भी, तो शंकु के आकार अगर सिमिलर है ठीक है, तो यहां पर वॉल्यूम वन बाय वॉल्यूम टू का जो रेशियो होगा, यानी कि किसी एक शंकु में, वो इसके रेडियस के, यानी कि कोई भी जो लेंथ है अब इसके क्यूब में बात होती है। जब हम एरिया की बात कर रहे हैं तो यहां ये एरिया की बात हो रही है, क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो इस लेंथ का वर्ग लेना होगा, लेकिन वॉल्यूम यानी आयतन की बात हो रही है तो यहां शंकु, अगर दो सिमिलर शंकु आपको मिल गए तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसके लेंथ का घन बन जाएगा। यहां तक क्लियर हो गई होगी आपको सारी बातें। चलिए अब हम चलते हैं, कुछ सवाल देखेंगे सिमिलर ट्रायंगल के और फिर हम वापस आएंगे कुछ और थ्योरी देखने के लिए। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ दिया हुआ है, ये दोनों सिमिलर है, एरियाज इनका जो है 64 cm² है, 121 cm² है, EF का वैल्यू दिया हुआ है, EF इज इक्वल टू दिया है, EF इज इक्वल टू है ये,
15.4 सेंटीमीटर, तो BC का वैल्यू क्या है? देखिए आपको दिया क्या है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। इस सीक्वेंस को हमेशा याद रखिएगा, ये सीक्वेंस बदलता नहीं है। तो आपको जब EF की लंबाई दी गई है तो आपको समझना होगा यहां EF के करस्पॉन्डिंग यहां पे BC है, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि BC बाय EC, EF का जो स्क्वायर होगा, क्योंकि ये दोनों साइड है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF के बराबर होगा, ये हमने सीख लिया है, ठीक है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, SSC का बार बार पूछता है, बहुत आसान सा है, लेकिन बार बार ये चीज़ें पूछी जाती है आपके एग्जाम में, तो मुझे बताना जरूरी है कि इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत आसान है ये, ठीक है। धीरे धीरे करके मैं लेवल भी बढ़ाऊंगा क्वेश्चन का, लेकिन ये बहुत आसान सवाल है और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इसमें बस वैल्यू डाल दीजिए कि BC का डिवाइडेड बाय 15.4 का होल स्क्वायर बराबर इसका एरिया जो है ABC का 64 और नीचे वाले DEF का 121। तो अगर मैं यहां से स्क्वायर रूट हटाऊं, ये वाला स्क्वायर रूट हटाने पर यहां भी स्क्वायर रूट आएगा और इसका स्क्वायर रूट का मतलब 8/11, क्या BC का वैल्यू निकल जाएगा? सिंपल है ना, BC का वैल्यू हो गया 15.4 इंटू 8/11। 11 से अगर इसको काटा जाए तो 1.4 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने पर 112 होगा, यानी 11.2 सेंटीमीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक दशमलव है ना, तो ये दशमलव यहां पर एक दो जो था 112 का, वो यहां पर दशमलव के अंदर आ जाएगा। आशा करता हूं ये पहला सवाल आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सवाल के साथ और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग सवाल के साथ मैंने यहां पर आपको शुरुआत किया है, क्योंकि अगर EF दिया था तो EF के करस्पॉन्डिंग यहां सिमिलर वाले में BC है। तो एक बार आप इस सीक्वेंस को लिख लीजिए तो समझ में आ जाएगा, EF अगर दिया है तो BC भी निकाला जा सकता है, क्योंकि एरिया दोनों का दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ पे दिया हुआ है, इन अ ट्रायंगल ABC डी एंड ई आर टू पॉइंट्स ऑन ABAC सच दैट DE इज पैरेलल टू BC, AD अनुपात DB दिया हुआ है 3:5 है, तो ADE ट्रायंगल और ट्रेपेजियम जो बना नीचे BDCEC, इसका आपको एरिया का रेशियो निकालना है। तो देखिए भाई, जहां डायग्राम नहीं बना तो वहां डायग्राम कंप्लीट करना अनिवार्य हो जाता है। तो मान लेते हैं ABC एक ट्रायंगल है, अब यहां से हम क्या करेंगे, DE भुजा के पैरेलल इस तरीके से बना देंगे कि D जो बिंदु है, D कहां पर है, वो AB पर है, और E कहां पर है, वो BC पर दिया हुआ है। अच्छा, E जो है वो आपके भुजा BC पर है, AC पर होगा, यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको AC कर लेना, ठीक है। ये इंग्लिश में सही दिया हुआ है, D और E यहां पर है, सच दैट जो है ये पैरेलल है। कौन पैरेलल है? DE जो है ये पैरेलल हो गया किसके? BC के पैरेलल हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद दिया हुआ है AD अनुपात DB दिया हुआ है आपको, AD अनुपात DB दिया हुआ है कि 3:5 है, 3:5 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि AD अनुपात AB क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये तो 3 है, ये 5 है, तो 3+5 8 हो गया। तो AD अनुपात AB जो है ये 3:8 हो जाएगा, ठीक। अब समझिए यहां से, ये पिछले वीडियो में हमने थेल्स थ्योरम देखा था, बिल्कुल वैसा ही है हुबहू, क्योंकि अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है, ये हमने देखा है। तो एंगल D बराबर एंगल B हो गया, एंगल E बराबर एंगल C हो गया, तो दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, एक छोटा ट्रायंगल और एक ये मोटा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ADE जो होता है ये सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल ABC के, और अगर हम बात करें ट्रायंगल ADE अनुपात ट्रायंगल ABC का एरिया की, तो सिंपल सी बात है भाई, यहां पर अगर इसका एरिया साइड जो है 3:8 में है, AD और AB को देखिए, AD यहां पर और AB का अनुपात हमारे पास है, तो इसका एरिया जो है इसके स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा, मतलब 3² अनुपात 8² मतलब 9:64 अरे भाई, अब यहां से बहुत सिंपल हो गया सॉल्व करना, क्योंकि अगर आपके पास 9 है जो कि इसका एरिया है और पूरे के पूरे 64 एरिया भी आपके पास है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर इसका एरिया तो 9 है और पूरे का एरिया 64 है, तो क्या आप इस ट्रेपेजियम का एरिया नहीं निकाल पाएंगे? बहुत आसान है, 64 में 9 को घटा देते हैं, क्योंकि 64 में से 9 हिस्सा तो ऊपर वाले ट्रायंगल का है, और सवाल में आपको ADE के साथ साथ नीचे जो BDEC दिख रहा है, इस ट्रेपेजियम के एरिया की बात कर रहा है ये, इन दोनों का अनुपात निकालना, तो ये जो वैल्यू है बन जाएगा 9:55 जो है सवाल का सही उत्तर होगा, बी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए दिया हुआ ABC ट्रायंगल है जिसमें BD बराबर है 8, BC बराबर है 20 और CD बराबर है 16, तो यहां 8, 20, 16 ये दिया हुआ है आपको।
साथ में दिया हुआ एंगल सीबीडी बराबर एंगल सीएबी है, तो सीबीडी कहां सीएबी कहां, सीबीडी यहां पर है सीएबी यहां पर है, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। और आपको त्रिभुज बीडीए का परिमाप निकालना है, तो बी यहां डी यहां ए यहां, इस ट्रायंगल का परिमाप आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको, तो देखिए यहां अगर 8 है, यहां पर आपको एडी के बारे में कुछ नहीं दिया है और एबी के बारे में कुछ नहीं दिया है, बीडी तो निकल गया ना, अब आपको केवल एडी और एबी निकालना है। देखिए कभी भी एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के अंदर छुपा हुआ है, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के अंदर छुपा हुआ है, इसमें अगर दो एंगल बराबर दे दिए, कॉमन एंगल के अलावा दो एंगल बराबर दे दिए, जैसे कि देखिए मुझे यहां दिखाई दे रहा है ट्रायंगल बीडीसी और मुझे यहां दिखाई दे रहा है ट्रायंगल एसीबी, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के अंदर है, मतलब ये ट्रायंगल इसके अंदर है, ठीक है, और साथ में ये छोटा ट्रायंगल इस ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है, ये कॉमन साइड यहां पर एक एंगल कॉमन दिया हुआ है, साथ में एक नॉन कॉमन एंगल इक्वल हो गया, तो साथ में आपको ये समझना होगा कि ये वाला ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल जो दिया हुआ है और ये जो मोटा ट्रायंगल दिया हुआ है दोनों सिमिलर होंगे। अरे भाई क्योंकि ये वाला एंगल जो है ये एंगल इसके बराबर हो गया, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर हो गया, साथ में एक कॉमन एंगल है जो बड़े ट्रायंगल में भी है और छोटे ट्रायंगल में भी है, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि दो एंगल इक्वल है, तो जाहिर सी बात है तीसरा एंगल इक्वल होगा ही होगा। तो ट्रायंगल बी सी डी और ट्रायंगल बी लिया तो यहां से आपको लेना होगा ए, और ए के साथ आपको लेना होगा सी, क्योंकि देखिए ए एंगल इसके बराबर, सी एंगल दोनों में कॉमन है, और साथ में तीसरा जो एंगल है वो बी, ये दोनों सिमिलर हो गए। अगर दोनों सिमिलर हो गए तो आप लिख सकते हैं बी सी डिवाइडेड बाय, यहां से बी सी लिया तो यहां से ए सी लेना होगा, यहां से सी डी लोगे तो यहां से सी बी लेना होगा, और यहां से बी डी लोगे तो यहां से ए बी लेना होगा, ये तीनों के तीनों रेशियो में रहेंगे, ये हम भली भांति जानते हैं। अब जो चीजें दिखाई दे रही है उसको तो डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जैसे बीडी दिखाई दे रहा है तो बीडी की जगह पे मैं लिख लेता हूं 8, ए बी है क्या हमारे पास, ए बी नहीं है, फाइंड हो जाएगा, ठीक है, सी डी का वैल्यू दिख रहा है, सी डी का वैल्यू हमारे पास है तो इस सी डी की जगह पे मैं लिख लेता हूं 16, 16, बी सी का वैल्यू है हमारे पास तो बी सी का वैल्यू 20 है तो यहां पर भी 20 और ये वाला 20, ये भी 20 बन जाएगा, क्लियर, ये भी 20 बन जाएगा। तो अब जो चीजें नहीं है हमारे पास उसको फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली हम फाइंड कर सकते हैं चीजों को। तो एजी का वैल्यू, एसी का वैल्यू कितना होगा भाई, एसी का वैल्यू यहां से दिखाई दे रहा है 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 16 होगा। एबी का वैल्यू निकालना है तो एबी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, एबी का वैल्यू हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 16, क्लियर, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अगर मैं इस 16 से इसको काटू तो यहां 5, यहां 5 आएगा, यानी एसी का वैल्यू हो गया 25। एबी का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर मैं इसे 16 को काटू तो यहां 5, यहां पे 2 आएगा, मतलब कितना, तो 10, तो एबी का वैल्यू आ गया, एसी का वैल्यू आ गया। अब एसी तो यहां से यहां तक पूरा वैल्यू है जो कि 25 है, 25 में से 16 घटाओगे तो एडी का वैल्यू आ जाएगा 9 और एबी का वैल्यू यहां से आ रहा है 10। तो अब हमें जो निकालना था वो क्या था, इस त्रिभुज बीडीए का वैल्यू निकालना था, परिमाप निकालना था, तो 8, 9 और 10, 8 + 9 हो गया 17, + 10 करोगे तो 27 आ जाएगा, डी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे दिया हुआ ट्रायंगल एबीसी है, इसमें एफ ई दो पॉइंट है एबी और एसी पर, सच दैट एफ ई पैरेलल हो जाता है बीसी के, एफ ई डिवाइड्स द ट्रायंगल इन टू इक्वल पार्ट्स या टू इक्वल एरिया दिया हुआ है, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी दिया है, सच दैट एडी इंटरसेक्ट्स एफ ई एट जी, तो जीडी और एजी का अनुपात निकालना है। बहुत सिंपल सा सवाल है, जहां पर आपको क्वेश्चन का डायग्राम नहीं दिया है वहां डायग्राम बनाना अनिवार्य हो जाता है, तो यहां हम डायग्राम बना देते हैं। एक त्रिभुज दिया हुआ था एबीसी आपको इस तरीके से, साथ में बोल रहा है एबी और एसी, ये एबी एसी पर एफ ई दो पॉइंट इस प्रकार है, एफ ई दो पॉइंट इस प्रकार है कि एफ ई पैरेलल हो जाता है बीसी के, तो जो एफ ई है पैरेलल हो जाता है किसके, बीसी के पैरेलल हो जाता है, ठीक है। साथ में दिया हुआ एडी परपेंडिकुलर है बीसी के, तो एडी जो है ये परपेंडिकुलर हो जाता है किसके, बीसी के, तो एडी यहां से यहां तक परपेंडिकुलर हो जाता है बीसी के परपेंडिकुलर, ठीक है। अब जी ये आपको दिया हुआ है, यहां पर एडी जो है जी पर एफ ई से काटती है, मतलब जी जो है ये जो एडी और एफ ई है कहां पर कट रही है, तो इस जी पॉइंट पर कट रही है, समझ में आया जी का पोजीशन क्या है, ठीक है, एडी परपेंडिकुलर बीसी है, तो और साथ में दिया हुआ एडी जो है बिंदु जी पर एफ ई को काटती है, तो ये एडी है ये एफ ई है, इसको यहां बिंदु जी पर काट रही है, ये डायग्राम अब आपका पूरा हो गया। निकालना क्या है, जीडी अनुपात एजी निकालना है, तो जीडी कहां है, यहां है, और एजी कहां है, तो यहां पर, ठीक है। इस प्रकार के सवाल हम अब देख चुके हैं कई बार,
ठीक है, पिछले वीडियो में भी हमने थेल्स थ्योरम देखा था। इस वीडियो में अब हम यहां पर इसको सिमिलैरिटी से भी समझ चुके हैं। अब आपको बातें समझ में आने लगी होगी कि देखिए ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाते हैं। जब भी इस तरीके का फिगर बनता है जहां पर एफ ई पैरेलल हो जाता है बीसी के, तो हम ये बात जानते हैं कि ए एफ ई सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल ए बी सी के। तो हम ये बात समझ चुके हैं अभी तक। अब दूसरी बात क्या दी हुई है कि यहां पर जो ट्रायंगल ऊपर बना और जो बड़ा ट्रायंगल बना, या फिर आप ऐसे समझिए जो एफ ई लाइन है इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है कि समान क्षेत्रफल है। मतलब ये ऊपर वाले का क्षेत्रफल अगर वन है पूरे के पूरे इस ट्रायंगल का, तो नीचे वाले हिस्से में इस ट्रायंगल में ये जो यहां पर जो ट्रेपेजियम बना इसका क्षेत्रफल भी वन होगा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं ट्रायंगल ए एफ ई अनुपात ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये तो एक है और ये तो दो हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, अगर ये एक है और ये एक है तो पूरे के पूरे ट्रायंगल का एरिया तो एक प्लस एक दो हो जाएगा ना। यानी कि आप समझिए कि जब मैंने यहां पर एडी परपेंडिकुलर बनाया तो ये एक ऑल्टीट्यूड है, और ऑल्टीट्यूड की प्रॉपर्टी ये है कि यहां पर ये ऑल्टीट्यूड ऊपर वाले और नीचे वाले में दोनों के लिए ऑल्टीट्यूड है। मतलब यहां पर जो एजी है ये पहले वाले ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड हुआ और एडी जो है दूसरे वाले ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड हुआ। तो अगर आप यहां पर ठीक है एजी अनुपात, एजी अनुपात एडी निकालने जाए तो इसका अनुपात तो एक अनुपात रूट टू होगा, क्योंकि एरिया का अनुपात खुद एक अनुपात दो है। तो एजी अनुपात यानी तो ट्रायंगल के जो एरिया है उसका वर्ग मूल हो जाएगा, क्योंकि एरिया जो होता है वो किसी भी साइड के रेशियो का वर्ग होता है। तो अगर हम किसी एक करस्पॉन्डिंग लेंथ की बात करें, जैसे यहां ऑल्टीट्यूड के लेंथ की बात कर रहे हैं, ये एजी अनुपात एडी जो है यहां पर जो एरिया का रेशियो निकला उसका वर्गमूल होगा, यानी एक अनुपात रूट टू होगा। लेकिन सवाल में ये नहीं निकालना था, हमें सवाल में निकालना था जीडी अनुपात एजी। अब देखिए हम यहां पर क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ए से लेकर जी तक का जो लेंथ है ये एक अगर है, तो ए से लेकर डी तक का जो लेंथ है ये रूट टू हो जाएगा। बराबर, आपको निकालना है जीडी अनुपात एजी, आपको निकालना है जीडी अनुपात एजी। तो जीडी अनुपात एजी निकालोगे तो जीडी कितना हुआ, देखिए पूरा का पूरा लेंथ रूट टू है और ये छोटा सा लेंथ एक है, तो क्या हम जीडी का लेंथ लिख सकते हैं रूट टू माइनस एक। बात समझ में आ रही है, मैं कह रहा हूं ये ऊपर वाला लेंथ एक है और यहां से लेकर यहां तक का लेंथ रूट टू है, तो जो जीडी होगा वो क्या होगा रूट टू में से एक घटा दीजिए, तो रूट टू माइनस एक हो जाएगा जीडी का लेंथ, और साथ में एजी का लेंथ एक है, तो यही उत्तर हो जाएगा कि जीडी अनुपात एजी जो है रूट टू माइनस एक अनुपात एक हो जाएगा, यानी बी जो है सवाल का सही उत्तर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पैटर्न में सैकड़ों सवाल बनाए जा सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए कि यहां पर सिमिलर ट्रायंगल्स है, तो सिमिलर ट्रायंगल्स के जो एरिया होते हैं वो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। उसी चीज का हम यहां पर फायदा उठा रहे हैं कि जो एजी और एडी है ये लेंथ का रेशियो है। अगर आपके पास एरिया का रेशियो है उसका वर्गमूल निकाल लीजिए तो आपका लेंथ का रेशियो निकल के आ जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, यहां पर दिया हुआ है बीएसी एंगल बराबर बीसीडी है क्या है। तो देखिए यहां पर जो फिगर है इसको आप बहुत अच्छे से देखिए, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल छुपा हुआ, कॉमन एंगल तो यहां पर है, साथ में एक दूसरा यहां पर एंगल दोनों ट्रायंगल में इक्वल दिया है, मतलब 100% यहां सिमिलैरिटी लगेगा। कभी भी एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के अंदर आ जाए और साथ में जो अनकॉमन एंगल है उसमें से एक इस तरीके से आपको इक्वल दे दे, कॉमन एंगल तो ऑलरेडी दोनों ट्रायंगल में है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स बन जाते हैं, यहां पर 100% सिमिलैरिटी लगेगा। तो देखिए AB इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है, क्या दिया है AB का लेंथ 50 दिया हुआ है आपको, और साथ में BD का लेंथ दिया हुआ है, तो BD कहां है भाई, ये BD है, BD का लेंथ आपको दिया हुआ है 18। ठीक, ये दोनों लेंथ आपको दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है पेरीमीटर ऑफ ABC और पेरीमीटर ऑफ BCD का रेशियो। तो पेरीमीटर ऑफ ABC मतलब ये वाला ट्रायंगल और पेरीमीटर ऑफ किसका, तो यहां पर BCD, इन दोनों का रेशियो आपको निकालना है। बहुत सिंपल से मैं आपको यहां पर चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, आप बस यहां पर देखिए कि एंगल ए और एंगल सी बराबर है, एंगल ए और एंगल सी बराबर है, करेक्ट। साथ में आप देख पा रहे हैं कि एंगल बी दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, तो हम सिंपल ये लिख सकते हैं आपको एबीसी और बीसीडी का यहां पर ट्रायंगल का पेरीमीटर का रेशियो निकालना है। तो एबीसी ट्रायंगल यदि मैं लिखूं, यहां से मैंने सीक्वेंस वाइज लिखा, ए के बाद बी लिखा, तो छोटे वाले ट्रायंगल में देखेंगे सी के बाद बी आ जाएगा, तो ट्रायंगल सी बी और डी ये सिमिलर होंगे भाई। अब यहां पर इन दोनों ट्रायंगल का पेरिमीटर का ही तो रेशियो चाहिए, अगर आपको इन दोनों ट्रायंगल के पेरिमीटर का रेशियो चाहिए तो आप यहां पर बस देखिए कि ये दोनों में किसी भी दो साइड का अगर रेशियो मिल जाए तो सारी चीजें सॉल्व आउट हो जाएंगी।
तो कैसे हम निकालें यहां पर? देखिए, सबसे पहली बात, क्या हम यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर बड़े ट्रायंगल में इस एंगल के पीछे ये वाला साइड छुपा हुआ है और छोटे ट्रायंगल में इस साइड के पीछे ये वाला साइड छुपा हुआ है, ठीक है? और छोटे ट्रायंगल में ये वाला जो साइड है, बड़े ट्रायंगल में इस साइड इस एंगल के पीछे ये 50 आया हुआ है और छोटे ट्रायंगल में इस वाले के पीछे ये वाला साइड आया हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं बीसी का वैल्यू निकालना बहुत आसान है। तो देखिए, बीसी यहां भी है, बीसी यहां भी है, तो इसी चीज के ऊपर फोकस करिए कि बीसी यहां भी है, बीसी यहां भी है, उसको इक्वेट करेंगे। तो सपोज करिए मैं यहां से अगर बीसी लूं तो दूसरे वाले से बीडी आएगा, और अगर यहां से मैं अब बीसी लेना चाहूं दूसरे वाले से तो वो नीचे आएगा, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर ए बी निकल के आएगा। तो क्या हम बीसी का वैल्यू निकाल सकते हैं? बीसी का वैल्यू हो जाएगा बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाइड बाय बीडी, और हमारे पास ए बी भी है और हमारे पास बीडी भी है। ए बी का वैल्यू कितना? 50, और बीडी का वैल्यू कितना? 18। तो अगर मैं यहां से बीसी निकालने की बात करूं तो स्क्वायर रूट हो जाएगा किसका? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 900 का स्क्वायर रूट, यानी कि कितना? 30 हो जाएगा, 30, ठीक है? बीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो ये है 30। यहां तक क्लियर? इसको निकालना क्यों जरूरी था? इसलिए जरूरी था क्योंकि आप यहां से ए बी और अनुपात बीसी निकाल सकते हैं। जैसे ए बी अनुपात बीसी निकालेंगे तो यही तो पेरीमीटर का भी रेशियो रहेगा, यही तो पेरीमीटर का भी रेशियो रहेगा। अगर आपको यहां ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर निकालने को बोला गया और आपको ट्रायंगल बीसीडी के पेरीमीटर के साथ इसको कंपेयर करने को बोला गया, तो ए बी का लेंथ है हमारे पास, ए बी का लेंथ है 50 और बीसी का लेंथ कितना है? 30, ठीक? मतलब 5:3 जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बस आपको यहां पर करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वही आपके पेरीमीटर का भी रेशियो होता है। एरिया के रेशियो में स्क्वायर हो जाता है, लेकिन पेरीमीटर भी तो एक लेंथ ही है, तो परिमाप वही यहां पर रेशियो रखेगा जो आपके लेंथ रेशियो रखते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, यहां दिया हुआ एडजेसेंट फिगर है, इसमें एबीडी जो है ट्रायंगल एंगल एबीडी बराबर, चलिए एबीडी यहां पर है, एबीडी बराबर है पीक्यूडी और बराबर है सी डी क्यू, और तीनों के तीनों है 90 डिग्री। अब ए बी का वैल्यू दिया है एक्स और पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है जेड और सी डी का वैल्यू दिया हुआ है वाई, तो इन तीनों में सिमिलैरिटी क्या है? देखिए, जब भी आप इस तरीके का फिगर देखते हैं, ठीक है, जहां पर आप देख पा रहे हैं ये जो लाइन है पैरेलल है, पैरेलल होगा कि नहीं? अरे भाई, संलग्न कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिया है, और यहां पर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल जो है 90 प्लस 90 180 डिग्री, मतलब ये भी पैरेलल है। मतलब आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू सी डी, ये अलग तरीके से आपको यहां पर रिप्रेजेंट कराया गया है। कैसे? कि यहां 90 डिग्री बना, यहां 90 डिग्री बना, और इन दोनों का सम 90 प्लस 90 180 डिग्री बनी, यानी ये तीनों लाइन पैरेलल होगा। अगर ये तीनों लाइन पैरेलल होगा तो इस चीज को हमेशा याद रखना कि बीच में जो जेड है और यहां पर एक्स और साइड वाले में एक्स और वाई है, तो रिजल्ट ये कहता है कि 1/z = 1/x + 1/y, इसका डायरेक्ट यूज होता है, इसका डायरेक्ट यूज होता है। तो आप इस थ्योरम को याद रखेंगे, थ्योरम के तहत इसको याद रखिए कि 1/x + 1/y जो है ये 1/z के बराबर होता है। कैसे हुआ? अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए भाई, थेल्स थ्योरम हमने देख लिया और कई बार हमने इस तरीके के फिगर को डिस्कशन किया है, तो आप डायरेक्टली इस ट्रायंगल के ऊपर पहले फोकस करिए, इस ट्रायंगल के ऊपर फोकस करेंगे तो यहां पर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है? अगर ये पैरेलल है तो आप थेल्स थ्योरम से या सिमिलैरिटी से जैसा आप चाहें, ये एंगल इक्वल होगा, मतलब ये जो ट्रायंगल DPQ है और ट्रायंगल DAB है ये सिमिलर होगा। तो Z/X की बात करते हैं, Z/X की बात करते हैं, तो Z/X क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा QD, क्योंकि मैंने यहां Z लिया, यहां पर मैंने AB लिया, तो यहां से मुझे QD/BD करना पड़ेगा, तो ये इज इक्वल टू है QD/BD। यहां तक आप मेरी बातों से सहमत होंगे। इसी प्रकार मैं दूसरे तरफ से दूसरे ट्रायंगल की बात करता हूं, ये है भाई BCD ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के ऊपर फोकस करते हैं, तो यहां पर साइड जब Z लोगे तो यहां पर Y आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Z/Y आ जाएगा। मतलब यहां से अगर मैं BQ लूं तो BQ के साथ में BD आ जाएगा, बराबर है? BQ के साथ में BD आ जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ जोड़ दूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये Z/X है प्लस Z/Y है, करेक्ट? मैं इन दोनों से Z को कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये 1/x + 1/y बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो QD/BD है और BQ/BD है, मतलब दोनों का LCM तो नीचे BD बन गया, ऊपर क्या आ रहा है? तो ऊपर आ रहा है QD+BD। अब आप खुद ही बताइए कि QD+BQ, अब आप खुद ही बताइए कि QD+BQ है क्या? QD है ये वाला लेंथ
और BQ है ये वाला लेंथ। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो BD ही तो आएगा, B से लेकर D तक का लेंथ। मतलब कि ये QD प्लस BQ कुछ और नहीं है, इसका वैल्यू भी BD है, इसका वैल्यू भी BD है, तो BD और BD कट गया। मतलब राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आ रहा है वो 1 आ रहा है। अब इस Z को निकाल के हम दूसरे तरफ भेज देते हैं, Z को निकाल के दूसरे तरफ भेज देते हैं तो 1 - Z आ जाएगा। तो इस प्रूफ को बार बार यूज करने से बढ़िया आप इस फिगर को याद रखिए कि तीन पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल से इस तरीके से जुड़े हैं कि यहां वाले का लेंथ x, यहां वाले का लेंथ y, बीच वाले का लेंथ z, तो 1 / x + 1 / y बराबर 1 / z होता है। इस चीज को आप नोट डाउन करके रखेंगे। यहां तक क्लियर हो गया ये सवाल? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको एक बार ट्राई करिए। मैं अभी आपको उत्तर बताऊंगा। जो थ्योरम्स हमने यूज किया हुआ है और यहां पर जो थ्योरम आज हमने सीखा है, दोनों को हम यहां पर अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर दिया हुआ है ए बी बराबर सी है, ए सी बराबर बी है और सी बी बराबर ए है एक ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल नहीं दिया है, सबसे पहला काम है ट्रायंगल बनाना। तो ए बी सी, ठीक है, ए बी का वैल्यू जो है, ए बी का वैल्यू सी सेंटीमीटर दिया हुआ है और ए सी का वैल्यू जो है ये बी सेंटीमीटर दिया हुआ है। साथ में जो बी सी है इसका वैल्यू ए सेंटीमीटर दिया हुआ है और बोला गया है कि एंगल ए जो है ये ट्वाइस ऑफ एंगल बी है। मतलब अगर एंगल बी को मैं थीटा ले लूं तो ये वाला एंगल इसका दुगना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। यहां तक आप मेरी बातों से सहमत होंगे? आपको निम्न में से कौन सा विकल्प सही है ये बताना है, ठीक। अब देखिए यहां पर करें तो क्या करें, आपके पास यहां पर डायरेक्टली रिजल्ट दे दिया है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? चलिए अगर आप यहां पर थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो मैं इस एंगल का मैं क्या बना सकता हूं, कोण समद्विभाजक बना सकता हूं, तभी कुछ बात बनेगी। क्योंकि यहां थीटा बना है, यहां 2 थीटा बना है। तो अगर मुझे किसी भी प्रकार से सिमिलैरिटी यूज करना है तो मुझे पता है ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनाने से कुछ बात बन सकती है। तो मैं इसको एडी बना देता हूं कि एडी क्या है, कोण समद्विभाजक है, एंगल बायसेक्टर है। तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा 2 थीटा था। यहां तक आप मेरी बातों से सहमत होंगे? अब आप थोड़ा सा गौर से देखिए कि मैंने आपको कई बार बताया है ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल जब बनता है, एक एंगल कॉमन यहां पर सी दिखाई दे रहा है, दूसरा एंगल यहां थीटा तो यहां पर थीटा। मतलब ये बड़ा ट्रायंगल और राइट साइड में जो ट्रायंगल है ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बी सी ए ट्रायंगल, ट्रायंगल बी सी ए, तो मैंने बी से स्टार्ट किया फिर मैं सी पे गया फिर ए गया। तो यहां थीटा से मैंने स्टार्ट किया था तो यहां पर भी थीटा से स्टार्ट करोगे छोटे ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए, फिर मैं सी पे आया था तो सी पे जाना पड़ेगा और इसको डी पर एंड करना पड़ेगा। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्योंकि एंगल बी और एंगल ए दोनों के दोनों थीटा है, साथ में एंगल सी दोनों ट्रायंगल में बड़े ट्रायंगल में और ये राइट साइड वाले ट्रायंगल में कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे? अब थोड़ा सा आप सोचिए कि यहां पर एंगल डी है और एंगल ए है, एंगल ए 2 थीटा था, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ये वाला एंगल भी 2 थीटा होगा। या आप ऐसे भी समझ सकते थे कि यहां थीटा तो ये 2 थीटा एक्सटीरियर एंगल होगा, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक। चलिए अब इसको हम यहां पर सिमिलैरिटी भी लगाएंगे और साथ में हम देखते हैं कि और हम यहां पर क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं सिमिलैरिटी लगाने की बात करूं तो हमारे पास जो चीजें दी हुई है उसको हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास तो सी है, यहां पर ए है, यहां बी है, तो पहले तो इसको यूज कर लेते हैं। जैसे यहां 2 थीटा दिखा हुआ है, 2 थीटा के पीछे बी है, यहां पर 2 थीटा के पीछे ए है, तो छोटे ट्रायंगल में 2 थीटा के पीछे ए सी था, तो छोटे ट्रायंगल में 2 थीटा के पीछे अगर मैं ए सी लिखूं तो बड़े ट्रायंगल में ए सी के पीछे यहां बी सी आ जाएगा, ठीक। और कुछ यहां पर हम यूज कर सकते हैं क्या? जैसे यहां एडी दिया हुआ है, एडी का तो हम यहां यूज नहीं कर पाएंगे, तो एसी तो यूज हो गया, तो सीडी का हम देख सकते हैं कि सीडी का यूज हम कर सकते हैं यहां से, क्योंकि सीडी जो है लेंथ के लेंथ पर ही है और इसका हम वैल्यू निकालना जानते हैं। सीडी के साथ करस्पॉन्डिंग यहां पर सी आ जाएगा, एसी आ जाएगा, ठीक। चलिए अब इसको इक्वेट करते हैं। अगर मैं सीडी को सीए सीए को एक साइड ले आऊं तो एसी का स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा बीसी मल्टीप्लाइड बाय सीडी। एसी का स्क्वायर हमारे पास है क्योंकि AC जो है B का स्क्वायर है, तो यहां B स्क्वायर लिख लेते हैं। BC का वैल्यू हमारे पास है, BC का वैल्यू A है, तो मैं यहां पर A लिख लेता हूं। अब बताइए भाई CD का क्या करें, CD का क्या करें, CD का वैल्यू कैसे निकालोगे? एंगल बायसेक्टर थ्योरम, पिछले वीडियो में हमने थ्योरम्स के बारे में चर्चा किया था जिसमें से हमने डिस्कस किया है इंटरनल एंगल बायसेक्टर थ्योरम। इस थ्योरम के तहत हम ये बात जानते हैं कि अगर कोई एंगल बायसेक्टर आपने इस प्रकार बना दिया तो यह बाकी दोनों साइड्स को किस रेशियो में काटता है? यह सी अनुपात बी में काटता है। मतलब यह सी है अनुपात में, ये बी हो जाएगा, बी सी अनुपात बी हो जाएगा। अब सीडी का वैल्यू निकालना था तो सीडी का वैल्यू क्या होगा भाई? अगर ये सी अनुपात बी है तो ये हो जाएगा बी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी,
बी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर ए है तो यहाँ से ए इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमने पिछले वीडियो में अच्छे से कवर किया है और आप लोग ये बात जानते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर जो होता है जिस अनुपात में ए बी अनुपात ए सी है सी बी रेशियो में उसी अनुपात में बी डी और सी डी कटते हैं जब ये एंगल बाइसेक्टर कोण अर्धक होता है तब। तो अगर ये सी अनुपात बी है तो सी डी का वैल्यू हो जाएगा बी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इंटू ए। यहाँ पर आप सी डी का वैल्यू डाल सकते हैं और जैसे ही आप डालेंगे तो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा क्योंकि यहाँ बी है और ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी है। तो एक बी और ये वाला बी कट जाएगा, इस बी प्लस सी को उठा के दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बी स्क्वायर प्लस बी सी आ रहा है और इज इक्वल टू ए इंटू ए है तो ए स्क्वायर आ जाएगा। तो बी स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर रिजल्ट मिल रहा है, बी स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर यहाँ डी ऑप्शन में लिखा हुआ है तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीजें हमें पता है उन चीजों को आप यहां अप्लाई करने की कोशिश करिए तभी जाके जो है आपसे ये सवाल इस तरीके से बन पाएंगे। तो थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इस थ्योरम को अप्लाई करना सीखना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले तो आप थ्योरम का बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाइए, जितने भी थ्योरम्स मैंने आपको लिखा है सिमिलैरिटी, फिर इस तरीके के प्रश्नों का आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जो प्रैक्टिस शीट होगा उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैं ऐसे दूंगा जो यहां पर हमने डिस्कस नहीं किया उसको भी आप बढ़िया से बनाइएगा। टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उससे जरूर पूछेगा, मैं वहां पे आपसे रिप्लाई भी करूंगा उन क्वेश्चंस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, पहले आप समझ लीजिए दिया क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा इस पैटर्न ऑफ क्वेश्चन में आपका नजर कहां पे जाना चाहिए इस फिगर को देखते साथ वो मैं आपको बताऊंगा। पहले देखिए एमएनओपी क्या है, पैरेललोग्राम है, एमएनओपी दिख रहा है, ये एमएनओपी पैरेललोग्राम। पैरेलल मतलब, पैरेललोग्राम का मतलब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ये इसके पैरेलल और ये वाला इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों लाइन मतलब एनओ पैरेलल एमएन एमपी के है और एमएन पैरेलल पीओ के है। इसके बाद दिया हुआ है पीएम इज एक्सटेंडेड, पीएम को हम एक्सटेंड कर देते हैं, PM को हम यहां से एक्सटेंड कर देते हैं ऊपर की ओर Z तक और OZ को हम मिलाते हैं। तो OZ को हमने ऐसा मिलाया, जैसे ही मिलाया तो बोल रहा है MN और PN को YZ पर मिलता है, तो MN को Y पर और PN को X पर मिलता है, सॉरी Y और X पर मिलता है यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, अब OX का वैल्यू 27 है, अब यहां से चीजों को नोट डाउन करिए जो नहीं दिया, OX का वैल्यू 27 है तो OX मतलब ये वाला लेंथ 27 और साथ में इसके साथ आपको दिया हुआ है एक्स वाई का लेंथ, तो एक्स वाई को मैं यहां से लिख लेता हूं, एक्स वाई का जो लेंथ है ये दिया हुआ है 18। ठीक, ये दोनों लेंथ आपको दिया हुआ है और फाइंड क्या करना है आपको, वाई जेड फाइंड करना है, तो वाई जेड कहां है, वाई जेड यहां पे दिया हुआ है, इसका लेंथ आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसका लेंथ क्वेश्चन मार्क इस तरीके से लिख लेते हैं, तो इतने इंफॉर्मेशन में आपको सारी चीजें काम कर रही। देखिए जब भी आप इस तरीके का फिगर देखते हैं तो आप हमेशा इस कैची फिगर के ऊपर ध्यान दीजिए, कैची फिगर आपको दिखाई देना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊंगा कैची फिगर का मतलब क्या है, थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, ये वाला फिगर पे हमेशा ध्यान जाना चाहिए। जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच में आपको इस तरीके का फिगर दिख गया इस पे आपका ध्यान जाना चाहिए, इससे काफी चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक, ध्यान में आ रहा है कैसे मैंने यहां पर बनाया, ये वाई एन और इस पॉइंट का नाम क्या था, इस पॉइंट का नाम था एक्स, तो वाई एन एक्स और साथ में ओ पी एक्स, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। कैसे सिमिलर होते हैं, क्योंकि देखिए ये एक पैरेलल लाइन है, ठीक, ये एम एन एक पैरेलल लाइन है और ये पीओ भी एक पैरेलल लाइन है जिसमें कि एन पी और वाई ओ दोनों के दोनों ट्रांसवर्सल का काम कर रहे हैं, तिर्यक का काम कर रहे हैं, ये दोनों समांतर रेखा है और आप जानते हैं कि यहां पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के तहत ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर और ये समुख्य कोण है, तो ये दोनों तो पहले से ही इक्वल थे, तो ये तीनों के तीनों कोण बराबर हो गए, तो ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो आपको समझना होगा कि इनके साइड का रेशियो सेम रहेगा। तो अगर आप देख पा रहे हैं यहां पर OY और OX, ठीक है, अब मैं कुछ चीजों को यहां से हटा देता हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाए थोड़ी सी। यहां से आप देखिए कि आपको जो लेंथ दिया हुआ है उसमें से ये OX का लेंथ दिया हुआ था और आपको यहां पर इसका लेंथ दिया हुआ था 18, तो 18 और 27 मतलब कि आपको एक्स वाई अनुपात ओ एक्स का रेशियो दिया था, तो सिमिलर है ना, इसके पीछे वाला एंगल और इसके पीछे वाला साइड, सॉरी इस एंगल के पीछे वाला साइड, इस एंगल के पीछे वाला साइड, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको दिया हुआ है, तो 18:27 दिया हुआ है, 18:27 मतलब अगर मैं इसे 9 से काटूं तो 2:3 बन रहा है, मतलब कि आपको यह समझना होगा यहां से कि ये दोनों जो साइड है वाई एन अनुपात पीओ जो है ये भी 2:3 में रहेंगे, 2:3 में ही रहेगा। साथ में आपको यह भी समझना होगा कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं,
तो अगर ये पीओ पूरा का पूरा तीन है तो एमएन भी पूरा का पूरा तीन ही होना था, जिसमें से वाई एन वाला जो पार्ट है, इस वाई एन वाले पार्ट ने दो पार्ट ले गया। अगर ये दो पार्ट ले गया तीन में से, तो ये वाला एक पार्ट होना चाहिए, क्योंकि एक प्लस दो पूरा तीन बनेगा, ऑपोजिट साइड है तो इक्वल होगा। अब यहां से क्या फाइंड करना है उसके ऊपर ध्यान लेगी, आपको फाइंड करना है एक्स वाई लेंथ फाइंड करना है। तो देखिए, अब इस ट्राइंगल के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना, एक्स पी ओ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के ऊपर फोकस करेंगे। यहां पर दिया हुआ है कि अगर ये लेंथ वन है तो ये लेंथ तीन हो जाएगा, एक अनुपात तीन। अगर ये एक अनुपात तीन है तो आपको ये समझना होगा कि ये वाला लेंथ भी एक होगा और ये वाला लेंथ तीन हो जाएगा। तो अगर ये लेंथ एक है एक्स वाई, और सॉरी जेड वाई जो है ये एक है, जेड ओ जो है तीन है, तो बीच का जो ये वाला पार्ट है ये वाला दो होना चाहिए, ये वाला लेंथ दो होना चाहिए। और इसका लेंथ तो आपके पास है, ओ वाई का लेंथ तो आपके पास है, ओ वाई का टोटल लेंथ कितना होगा, दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा 27 प्लस 18, और दोनों को जोड़ने पर 45 आ रहा है। तो ओ वाई का वैल्यू जो कि दो यूनिट है, दो यूनिट का वैल्यू 45 दिया हुआ है, ठीक है, दो यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 45 दिया हुआ है। तो एक्स वाई का लेंथ आपको निकालना था, यानी वाई जेड का लेंथ निकालना था, जो कि कितना है एक यूनिट, तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 45 / 2, जो कि हो जाएगा 22.5, यानी बी जो है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, तो इस सवाल में आपको पूछ रहा है कि एडी बराबर है 18, तो एडी बराबर 18 है, बीडी बराबर है 6, साथ में एसी का वैल्यू दिया हुआ है 11, और ए बी ई एंगल बराबर ए सी डी दिया हुआ है। तो ए बी ई मतलब ये वाला एंगल, बराबर ए सी डी मतलब ये वाला एंगल, ठीक, बराबर। साइड ए ई का वैल्यू क्या है आपको बताना है, तो ये वाला साइड आपको बताना है क्या होगा। देखिए फिर से आप समझिए, यहाँ दो ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल तो कॉमन है, दूसरा एंगल यहाँ इक्वल दे दिया, मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कौन कौन से ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई के साथ साथ दूसरा ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ए सी डी, ये दोनों ट्रायंगल जो है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक। जैसे ये सिमिलर हो गया, आपको फाइंड करना है ए ई, तो मैं यहां से अगर ए ई लूं तो मुझे यहां से इसका करस्पॉन्डिंग साइड ए डी लेना पड़ेगा। तो हमारे पास ए डी दिया है, क्या ए डी दिया हुआ है, साथ में आपको यहां पर जो वैल्यू दिया है वो ई सी का वैल्यू दिया हुआ है, और आपको ए बी का वैल्यू दिया हुआ है। तो ए बी देखिए पहले वाले में इसका यूज करना जरूरी होगा, क्योंकि ए बी आपके पास है, तो ए बी के साथ साथ यहां आपको ए सी साइड लेना होगा। तो ए सी साइड पूरा तो नहीं दिया आपको, लेकिन मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि जो हमें फाइंड करना है ए ई, इसको मैं एक्स ले लेता हूं, तो उससे यह होगा कि पूरा का पूरा ए सी जो है ये एक्स प्लस 11 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू एक्स है ए ई का, ए डी का वैल्यू आपके पास है क्या, ए डी का वैल्यू है 18, तो इसको लिख लेते हैं 18। ए बी का वैल्यू हमारे पास है क्या, ए बी का वैल्यू है 18 प्लस 6 कितना हो गया, तो 24। क्या हमारे पास यहां पर ए सी का वैल्यू है, बिल्कुल है, x प्लस 11। तो एक तरीका है भाई कि आप पूरा का पूरा इसको सॉल्व करें, दूसरा तरीका स्मार्ट तरीका है कि आप यहां पर ऑप्शंस को यूज करिए। क्या ऑप्शन डालने पर यहां पर वैल्यू जो है कुछ यहां पर हमारे आसान से वैल्यू आ जाए जो इसको काट ले। देखिए अगर मैं यहां 12 डालता हूं तो 12 के बाद यहां 23 आएगा जो कि इसको काटेगा नहीं। अगर मैं 16 डालता हूं तो 16 के बाद यहां 27 आता है, थोड़ा बात बन सकता है। तो मैं यहां पर x इज इक्वल टू 16 एक बार चेक कर लेता हूं। अगर मैं x इज इक्वल टू 16 लूं तो यहां पर 16/18 बनेगा और इस तरफ बन जाएगा 24/27। तो अगर इसे 2 से काटे तो यहां पर 8/9 आ रहा है, और इसको अगर मैं 3 से काटूं तो यहां भी 8/9 आ रहा है। तो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, जब हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शन है तो आप स्मार्टली ऑप्शन को चूज करिए, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने जाओगे तो वहां मिड टर्म स्प्लिट वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। तो बेहतर है कि आपके पास ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन को फटाफट चेक कर लीजिए, एक्स इज इक्वल टू 16 पे सेटिस्फाई हो गया तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहां पर 18 डालोगे तो 29 आएगा, प्राइम नंबर है, कटेगा नहीं। 14 डालोगे तो यहां पर 25 आएगा, यहां पर 14 में एक 7 नंबर छुपा हुआ है, तो 7 नंबर तो इससे भी नहीं कटता, इससे भी नहीं कटता। तो इस तरीके से स्मार्टली आप डायरेक्टली उसी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, 16 जो कि यहां पर जोड़ने पर 27 दे रहा है, यहां पर 16 जो कि आपके 2 से बना हुआ है, तो 2 इसमें भी छुपा है, 2 इसमें भी छुपा है, तो कट रही है चीजें। तो ऐसा ही ऑप्शन आप चूज करिए पहली बार में जो आपको डायरेक्टली रिजल्ट देने की संभावना रखता है, प्राइम नंबर से, प्राइम फैक्टराइजेशन से उसको तोड़कर जो प्राइम नंबर छुपे हुए हैं वो हमको बहुत सारा क्लू देता है। तो डायरेक्टली आपका टाइम बच जाएगा अगर आप इस अप्रोच से सॉल्व करते हैं। पूरा सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल सम कोण त्रिभुज।
देखिए राइट एंगल ट्रायंगल को हम पहले ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी यहां पर इसको लेने का मकसद यह है कि अभी हम सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं और राइट एंगल ट्रायंगल में सिमिलैरिटी का बहुत बढ़िया एप्लीकेशन होता है। तो पहले मैं आपको ये जो एप्लीकेशन है इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं उस रिजल्ट्स को आप बढ़िया से बना के रखिए, क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है कॉमन टेंजेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पर ये रिजल्ट यूज होता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं चीजें, फिर आने वाले वीडियोस में जब सर्कल में कॉमन टेंजेंट वहां पर हम पढ़ेंगे तो इन रिजल्ट्स को भी मैं वहां यूज करूंगा, तो अच्छे से आप इसका नोट्स बनाइए। पहले तो समझ लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल सम कोण त्रिभुज होता है, एक एंगल जिसमें 90 डिग्री होती है। इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हमने किया है, वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि यहां पर जो 90 डिग्री वाला एंगल था, एंगल बी बराबर 90 डिग्री, यहां से हमने बीडी एक लाइन ड्रॉ किया एसी पर परपेंडिकुलर। ये ट्रायंगल एबीसी है जिसमें बी बराबर 90 डिग्री था, हमने क्या किया एक लाइन इस तरीके से परपेंडिकुलर बना दिया एसी पर। जैसे ही आप ये काम करते हैं कि एक लाइन परपेंडिकुलर बन गया तो तीन ट्रायंगल बन जाते हैं, एक तो बड़ा ट्रायंगल पहले से, एक छोटा ट्रायंगल यहां पर, एक छोटा ट्रायंगल यहां पर। नोट बना के रखिएगा कि यहां पर जैसे ही आप 90 डिग्री मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल के 90 डिग्री वाले एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हाइपोटेन्यूज पर, तो यहां पर जो छोटे छोटे ट्रायंगल बनते हैं ये आपस में सिमिलर होने के साथ साथ बड़े वाले ट्रायंगल के साथ भी सिमिलर होते हैं, यानी तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं। इस चीज का बढ़िया नोट वहां पे बना के रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहां से आपको समझना होगा कैसे, इसके बारे में मैं चर्चा कर देता हूं। तो आपको अभी तक मैंने कई बार बताया कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बन गया, एक कॉमन एंगल तो होता ही है, बाकी दूसरा जो नॉन कॉमन एंगल है वो भी अगर इक्वल हो गया तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। इसी चीज को आप पकड़ के रखिए, क्योंकि देखिए अगर मैं कहूं कि ये वाला एंगल क्या है, थीटा है, तो इस बड़े ट्रायंगल में जो एंगल है तो 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये आप भली भांति जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हमने डिस्कशन किया। हमने क्या किया, हमने यहां से एक लंब बना दिया और जैसे ही लंब बनाया तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री बन गया, तो ये जो छोटा सा एंगल बन के आ रहा है एंगल डी बी सी ये भी तो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि अगर ये थीटा ये 90 तो 90 माइनस थीटा होगा। उसी प्रकार अगर यहां पर ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है, पूरा एंगल तो 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री में 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस करोगे तो ये जो छोटा सा एंगल निकल के आया ये भी थीटा होगा। तो आप इसको समझिए, चाहे आप छोटा ट्रायंगल ले लीजिए बीडीसी, इसमें एक एंगल थीटा है एक 90 माइनस थीटा, इस ट्रायंगल को ले लीजिए एडीबी, इसमें एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा। सबसे बड़े ट्रायंगल एबीसी को ले लीजिए, तो अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा है, मतलब तीनों के तीनों ट्रायंगल में दो एंगल ऐसे निकल के आ रहे हैं, एक थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा, तो डायरेक्टली तीसरा एंगल 90 डिग्री बन जाएगा, वो तीसरा एंगल इक्वल होना ही पड़ता है क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो इसके तहत आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कि छोटा ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर होने के साथ साथ बड़े ट्रायंगल के साथ भी सिमिलर है, क्लियर। तो आप देखिए ट्रायंगल एडीबी, ये ट्रायंगल एडीबी है, ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल बीडीसी, तो ट्रायंगल बीडीसी है, तीनों के तीनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जैसे ही सिमिलर हो गए तो ये कुछ रिजल्ट्स आते हैं, मैं आपको पहला रिजल्ट बस एक बार बता देता हूं कैसे आया। जैसे कि आपने देखा यहां पर एबी का स्क्वायर लिया गया है, तो एबी का स्क्वायर मतलब इस ट्रायंगल के ऊपर फोकस करिए, ये ए डी बी ट्रायंगल ए डी बी, ये सिमिलर होगा कि नहीं, ट्रायंगल ए डी बी विल बी सिमिलर टू कौन सा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी बी है तो ए से स्टार्ट किया तो यहां 90 डिग्री माइनस थीटा था, तो अब ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के, ट्रायंगल ए बी सी के। एक बार मैं ए बी यहां से लूं तो ए बी के साथ मुझे यहां पर क्या लेना पड़ेगा, ए बी लिया तो यहां से ए सी लेना पड़ेगा, साथ में अगर यहां पर ए बी मुझे चाहिए तो यहां मुझे ए डी लेना होगा, ये ए बी है एक्चुअली, ठीक है, ए बी मैंने यहां से लिया तो यहां से मुझे ए सी लेना पड़ा, साथ में अगर इसका ए बी मुझे चाहिए तो यहां से मुझे ए डी लेना पड़ेगा, तो ए डी डिवाइडेड बाय ए बी आएगा। इसको रीअरेंज करेंगे तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी आ जाएगा। इस तरीके से आप पहला वाला जो पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा, ए बी का स्क्वायर क्या है, ए डी इंटू ए सी, ठीक है। अब एक चीज तो है कि आप इसको याद करें, ठीक है, लेकिन मैं अब आपको एक ट्रिक के जरिए भी समझा देता हूं कि अगर आपको ये फिगर दिख रहा है 90 डिग्री ट्रायंगल में आपने एक 90 डिग्री बना दिया, तो आप इस फिगर को ग्राफिकली देखकर भी इन रिजल्ट्स को बना सकते हैं, ठीक है। कैसे आए ये तो समझ में आ गया, अब इसको याद कैसे रखना है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं, ठीक है। तो समझिएगा, देखिए सबसे पहले इस पॉइंट के तहत ये जो वर्टेक्स है इसको ध्यान देंगे, यहां से जैसे ही आप ए बी की स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो ए बी का स्क्वायर मतलब 90 डिग्री वाले को जोड़ रहे हैं, तो यहां से आप इसको जोड़े तो ये किसके प्रोडक्ट के बराबर होता है, ए डी का
और एसी का इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, इसका नोट कर लीजिएगा। जैसे आप देख रहे हैं एबी का स्क्वायर, तो एडी मल्टीप्लाइड बाय एसी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यहां तक समझ में आ गया। दूसरा वाला रिजल्ट अगर आप देखेंगे यहां पर, तो दूसरा सेकंड रिजल्ट है पॉइंट बी के अबाउट, पॉइंट बीसी का स्क्वायर बोल रहा है, तो बीसी का स्क्वायर यानी यहां से, मतलब अब आप इस पॉइंट के तहत बात कर रहे हैं, इस पॉइंट के तहत आप इसको बात कर रहे हैं। तो जैसे आप देखेंगे थोड़ा सा यहां पर देखिएगा, इस पॉइंट के तहत अगर मैं सी बी का स्क्वायर, तो पहले आप 90 डिग्री वाले साइड के साथ जोड़ते हैं, 90 डिग्री वाले साइड के साथ जैसे ही जोड़ा तो ये सी डी और सी ए के प्रोडक्ट के बराबर होगा। देखिए यहां पर बी सी का स्क्वायर आया, तो सी डी और ए सी के प्रोडक्ट के बराबर होगा, सी डी और ए सी के प्रोडक्ट। यहां तक क्लियर? इसी से ही बस इन दोनों रिजल्ट के तहत ही आप पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। तो आज आपको समझ में आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम आया तो कैसे आया। ये पहले और दूसरे को जोड़ दीजिए तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी ए सी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा ए डी प्लस सी डी, और ए डी प्लस सी डी ए सी होता है जो कि ए सी का स्क्वायर होगा। ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम पहले भी बताया था, लेकिन आज आपको समझ में आया होगा कैसे प्रूफ हुआ है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है, तो हमारा मोटिवेशन हाई रहता है कि जो यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है उसको और बेहतर प्रोवाइड कराया जाए, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, ठीक है। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन हाई होता है। चलिए अब तीसरे पॉइंट की ओर आते हैं, बी डी स्क्वायर। तो मतलब हम यहाँ पर डी पॉइंट के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो डी से जैसे ही हमने इस पॉइंट को जोड़ा, तो इसके साथ दो पॉइंट और जुड़ेंगे डी ए और यहां से डी सी, डी ए और डी सी। तो डी बी का स्क्वायर बराबर होता है डी ए इंटू सी डी, ये आप नोट करके रखिएगा कि आप इसको जब जोड़ रहे हैं तो यहां पर इन दोनों को भी जोड़ना होता है, ठीक है। तो ये तीनों आपको समझ में आ गया, पहले के तीन पॉइंट ग्राफिकली भी समझ में आ गया। अब ये जो चौथा है बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इसका रिजल्ट यूज होता है। ये क्या कहता है भाई, इसमें मैंने पहले और दूसरे रिजल्ट को डिवाइड कर दिया, ए बी का स्क्वायर और एसी का बीसी का स्क्वायर डिवाइड कर दिया, तो एसी एसी कट जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा एडी बाय एसी। तो ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीसी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीसी का स्क्वायर होता है एडी बाय एसी। ग्राफिकली इस चीज को समझेंगे तो ए बी कहां है, ए बी है यहां पर इसका स्क्वायर, और बीसी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ये बराबर होता है एडी डिवाइडेड बाय सीडी। तो इस चीज का आप नोट बना के रखिए कि अगर ये ए है ये बी है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा ये ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको बढ़िया से आप बनाइएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, इसका रिजल्ट आपको यूज करना होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क मैंने यहां पर किया है, उसको बढ़िया से आप समझिएगा। ग्राफिकली भी मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद जो चौथा पॉइंट है, इसको आप अच्छे से समझिए कि क्या है। देखिए ये जो आपका लेंथ है, ठीक है, ये जो लेंथ है BC और ये जो लेंथ है AB, ट्रायंगल का जो एरिया होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो दो तरीके से आप यहां पर ट्रायंगल के एरिया को लिख सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है आपका D, या तो आप ट्रायंगल के एरिया को ऐसा लिख सकते हैं कि हाफ इंटू AB इंटू BC, हाफ इंटू AB इंटू BC, इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं हाफ इंटू BD मल्टीप्लाइड बाय AC, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो AC AC कट गया, मतलब BD का वैल्यू क्या हो जाएगा, BD का वैल्यू हो जाएगा AB इंटू BC डिवाइडेड बाय AC, क्लियर। तो ट्रायंगल का एरिया को या तो आप हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप बेस इसको लेंगे तो ऑल्टीट्यूड ये बन जाएगा, तो AC इंटू BD। मतलब आप इस चीज को डायरेक्ट समझिए, BD का लेंथ निकालना है। अगर आपके पास AB है, BC है और AC है, तो AB इंटू BC डिवाइडेड बाय AC करने पर BD का लेंथ निकल के आ जाता है, ठीक। यदि आपको केवल ए बी और बी सी दिया हुआ है, उस केस में बी डी निकालना है, तो वो भी बहुत आसान है। आप डायरेक्टली इस तरीके से उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं कि 1 बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहां पर आप इस चीज को, इस डायग्राम को समझिए कि हमने जो पुराना रिजल्ट आपको बताया वो क्या है, सी डी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, सी डी इज इक्वल टू ए सी इंटू बी सी। तो सी डी इज इक्वल टू ए सी इंटू बी सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए बी, ये हमने आपको बता के रखा हुआ है। तो इसी के तहत सी डी का स्क्वायर मतलब इसका लेंथ अगर मैं पी मान लूँ, तो पी अगर तीनों को स्क्वायर कर देंगे तो पी स्क्वायर आएगा, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर बन जाएगा, और ये सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है। और किसी भी ट्रायंगल में पाइथागोरस, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होता है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होता ही है। इसमें आप बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डाल दीजिए इसकी जगह पे, और इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, व्युत्क्रम ले लीजिए, तो 1 बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर होता है, ठीक। इसको भी आप नोट कर सकते। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में ए बी दिया है, बी सी दिया है, ए सी दिया हुआ है, बी डी निकालना है, तो क्या करोगे, ए बी मल्टीप्लाइड बाय बी सी डिवाइडेड बाय ए सी कर लोगे। या फिर अगर आपको यहां पर पी दिया हुआ है,
और आपको केवल ए और बी दिया, तो आप 1/p² = 1/a² + 1/b² को यूज करके भी आप परपेंडिकुलर का लेंथ निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों के दोनों रिजल्ट, ठीक है। चलिए, आशा करता हूं इसका बढ़िया से आपने नोट्स बना लिया होगा। अब आते हैं वापस, तो मैंने आपको बताया कि इसका भरपूर यूज होता है कॉमन टेंजेंट वाले क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए जब आप एक सर्कल बना लेते हैं और दूसरा सर्कल इस तरीके से बना देते हैं, या ऐसा समझिए कि यहां पर आप यहां एक्सटर्नल पॉइंट से कोई सर्कल पर टेंजेंट बनाते हैं, तो यहां पर ये रेडियस, ये 90 डिग्री, और यहां पर इस तरीके से आपका बन जाता है एक काइट का फिगर, क्योंकि यहां से भी एक टेंजेंट बनता है, यहां से भी एक टेंजेंट बनता है, ये भी राइट एंगल। तो यहां पर जब आप परपेंडिकुलर बनाते हैं, ये कॉर्ड के ऊपर सवाल बनता है, तो ये जो परपेंडिकुलर एक्चुअली कॉर्ड जो बनता है यहां पर, ये 90 डिग्री पर काटता है, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इस तरीके के प्रश्न में आपका डायग्राम बनता है, तो एप्लीकेशन वहां भी होगा। और इस तरीके का प्रश्न मैं आपको आने वाले वीडियोस में करवाऊंगा भी, तो उसको भी आप पूरा देखना, तो कनेक्ट करके पढ़िए चीजों को, तो आपको बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपको यहां पर कुछ क्वेश्चंस मैं करवा लेता हूं, देखते हैं आपको जो चीजें मैंने बताई वो कितना समझ में आया है। पहला सवाल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें बी जो है उस पर 90 डिग्री है, तो एबीसी बना लेते हैं जिसमें बी पर ये 90 डिग्री है, बीडी परपेंडिकुलर है एसी पर, तो बीडी हमने यहां पर बना दिया परपेंडिकुलर एसी पर, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बताना है, तो एबीसी ट्रायंगल में 90 डिग्री था ये एंगल बी और बीडी था एसी पर लंब, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये आपको बताना है, तो बताइए भाई क्या क्या सही है। बीएडी सिमिलर है, बीएडी सिमिलर है किसके, सीबीडी के, तो सीबीडी के। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहां सीक्वेंस को ध्यान में रखें, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये 90 डिग्री - थीटा होगा, साथ में ये थीटा होगा और ये वाला 90 डिग्री - थीटा होगा, तो बहुत आराम से आप यहां पर इसका सीक्वेंस देखना, क्योंकि सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। बी ए डी और सी बी डी कह रहा है, तो बी ए डी मतलब बी ए डी थीटा के साथ स्टार्ट हुआ, 90 डिग्री - थीटा पे गया, फिर 90 पे आया। सी बी डी कह रहा है, तो थीटा से स्टार्ट हुआ, 90 डिग्री - थीटा और डी पर आया, मतलब एक तो सही है यहां पर, मतलब ए ऑप्शन तो आप चूज कर सकते थे, लेकिन बी और सेकेंड और थर्ड भी देखना जरूरी है। तो बी ए डी के साथ, बी ए डी के साथ आपको बोल रहा है सी ए बी, तो सी यहां पर थीटा है, ये 90 - थीटा और बी, बिल्कुल सही है, मतलब पहला और दूसरा दोनों सही हो गए। अगर पहला दूसरा दोनों सही हो गए तो यहां पर तो कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, केवल ये तीसरा वाला ऑप्शन जो है जिसमें ऑल आर करेक्ट यही वाला सही होगा, क्योंकि यहां पर तीसरा चेक कर भी सकते हो आप लोग, लेकिन ऐसा कोई यहां पर विकल्प ही नहीं बन रहा जिसमें एक और दो दोनों हो, केवल तीसरे वाले में, तो तीसरा वाला भी सही होगा, इसको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर भी आप चेक करना चाहते हैं तो देखिए सीबीडी, सीबीडी की बात हो रही है तो सी थीटा है, बी 90 - थीटा है और ये 90 डिग्री है। सी ए बी की बात हो रही है तो सी यहां पर है, थीटा है, 90 डिग्री - थीटा है और ये 90 डिग्री, बिल्कुल सही, तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एबीसी इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है, और साथ में एडी जो है वो कर्ण बीसी पर, मतलब बीसी कर्ण है यहां पर बताया गया, तो बी सी कर्ण है, कर्ण बीसी है, हाइपोटेन्यूज बीसी है यहां पर बताया गया। तो पहले वाले में तो बस बोला था कि एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां पर 90 डिग्री कौन सा है ये क्लियर नहीं हो रहा। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला बीसी हाइपोटेन्यूज है, अगर बीसी हाइपोटेन्यूज है तो ए जो है यहां पर 90 डिग्री बनेगा। अब एडी जो है ये परपेंडिकुलर है कर्ण पर, तो एडी जो है 90 डिग्री बन गया, तो 90 डिग्री यहां पर भी 90 डिग्री, इस तरीके से दो 90 डिग्री वाले ट्रायंगल बन गए। एसी बराबर ट्वाइस सीबी कहा गया है, एसी जो है ट्वाइस एबी कहा गया, मतलब एबी की लंबाई अगर मैं 1 ले लूं तो ये दुगना होगा, मतलब ये 2 यूनिट्स का होगा। यहां तक आपको बातें समझनी होगी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीडी पूछ रहा है, अब बीडी कहां पर है, तो बीडी यहां पर है, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है कितना होगा। अब ऑप्शन जब आप देखोगे तो यहां सारी की सारी चीजें बीसी के टर्म्स में चल रही है, बीसी के टर्म्स में। तो बताइए इतने सारे जो रिजल्ट हमने देखा, इसमें से कौन सा रिजल्ट सबसे जल्दी आपको आंसर देगा? सिंपल सी बात है, अगर ये 1 है ये 2 है, अगर ये 1 है ये 2 है, तो बीडी और सीडी का अनुपात 1² / 2² के अनुपात में होता है, तो ये 1:4 में रहेगा, मतलब यहां से यहां तक का लेंथ 1 है, बीडी का लेंथ अगर 1 है तो सीडी का लेंथ जो है ये 4 हो जाएगा, क्लियर। सीडी का लेंथ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है, मतलब अगर बीडी का वैल्यू 1 है तो बीसी का वैल्यू 1+4 यानी कि 5 हो जाएगा, मतलब सिंपल सा आप ऐसा लिख सकते हैं, बीडी
डिवाइडेड बाय बीसी का जो रेशियो है वो है 1/5। तो क्या आप बीडी का वैल्यू निकाल सकते हैं? बीडी हो जाएगा बीसी बाय 5। यहां तक क्लियर? बहुत सिंपल है, चीजों को कनेक्ट करिए, समझ में आ जाएगा आप लोग को। अगर ये 1:2 है तो 1:4 होगा, मतलब बीडी 1 है तो पूरा का पूरा बीसी 5 हो जाएगा। यहां तक क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री है और बीएन इज परपेंडिकुलर टू एसी। AB का वैल्यू दिया, AC का वैल्यू दिया, AN बाय NC का वैल्यू निकालना है। तो बहुत सिंपल है, पहले आप डायग्राम बनाएंगे तो चीजें बहुत सिंपल हो जाएगी। ABC में B 90 डिग्री है तो B को हम 90 डिग्री बना देते हैं इस तरीके से, ABC। फिर आपने क्या किया, BN AC पर लंब है तो BN जो है ये AC पर लंब है तो BN यहां पर बना दिया। AB का वैल्यू 6 दिया है, AC का वैल्यू तो ये AC है यहां पर 10 दिया हुआ है। आपको AN अनुपात NC निकालना है। तो बहुत सिंपल है, अगर आपने यहां देखा 6 यहां पर 10 तो मुझे एक ट्रिपलेट याद आता है 3, 4, 5, ये ट्रिपलेट है। 3 का दुगना करके 6 बना दिया गया और लंब जो है हाइपोटन्यूज 5 का दुगना करके 10 बना दिया गया, मतलब इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, मतलब बीसी का वैल्यू 8 है। तो ट्रिपलेट वैल्यू का यूज करिए जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है, राइट एंगल ट्रायंगल के पाइथागोरस थ्योरम में। तो 3, 4, 5 है, मतलब 6, 8 और 10 यहां पर बनेगा। ठीक, जैसे ही आपने देखा कि ये 3 अनुपात, अब इसका अनुपात बस आपको देखना है, अनुपात के ऊपर काम करिए क्योंकि AB अनुपात BC आपके पास है, AB अनुपात BC आपके पास है जो कि है 6:8, जिसको आप सिंप्लीफाई करके 3:4 लिख सकते हैं। अगर ये 3:4 है तो AN और NC का अनुपात 3:4 हो जाएगा, मतलब 9/16 इसका वैल्यू होगा, 9/16 इसका वैल्यू हो जाएगा। तो A जो है सवाल का सही उत्तर है। यहां तक क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एबीसी ट्रायंगल है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है, डी इज एनी पॉइंट ऑन एबी, एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर बताइए। देखिए एक सवाल यहां पर इस तरीके से दिया है, एंगल सी जो है ये 90 डिग्री है, ठीक है 90 डिग्री और एंगल सी पर है और साथ में एबीसी ट्रायंगल बोला था तो ए यहां पर बी यहां पर होना अनिवार्य हो जाएगा। दूसरी बात यहां पर ध्यान दीजिए कि ये एक सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज, मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं, दो साइड्स के साथ साथ उसके पीछे के एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, मतलब ये 90 डिग्री तो होगा ही, साथ में इन दोनों का जो रेशियो है ये हो जाता है 1:1:√2। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, साइन रूल में भी मैंने ये बातें आपको बताई है और जब ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस वहां पर भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि अगर कोई आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें 45 डिग्री 45 डिग्री ये बन जाएगा और ये 90 डिग्री बन जाएगा, तो उस केस में 1:1√2 इसका रेशियो होता है। ठीक, अब देखिए AB पर कोई बिंदु D हो, अब देखिए इस चीज का फायदा आप उठाना सीखिए कि जब यहां पर एनी बोल दिया, कोई बिंदु है, कोई भी बिंदु है, तो आप क्या करिए, आप स्मार्टली चूज करिए कि मैं यहां पर D को कहां प्लेस करूं। D को बीच में प्लेस करने पर चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, चीजों को सिंप्लीफाई करिए। जैसे मैं D को यहीं पे ले लेता हूं, B के ऊपर ही D को ले लेते हैं क्योंकि AB के ऊपर बोला ना, तो मैं यहां D को B के ऊपर ही ले लेता हूं। इससे क्या होगा, AD का स्क्वायर पूछ रहा है तो AD का स्क्वायर कितना हो गया, ये इतना हो जाएगा, मतलब कि AD का स्क्वायर हो जाएगा √2 times। ठीक, तो ये √2 बन जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है। BD तो 0 बन गया तो ये बन जाएगा 0, यानी 2 आ रहा है वैल्यू। अगर ये 2 आ रहा है तो CD के संदर्भ में बात हो रही है, CD का लेंथ कितना है, CD का लेंथ 1 है, तो CD को अगर मैं 1 डालूं तो इक्वल टू 2 कहां पर आएगा, केवल यही पर आएगा, बात समझ में आ रही है। तो केवल यहां पर CD का स्क्वायर, केवल 2CD स्क्वायर यहीं पर आ रहा है। तो जब भी इस तरीके का प्रश्न आता है, एनी वाला प्रश्न आता है, तो आप अपने हिसाब से चीजों को सिंप्लीफाई करिए क्योंकि एनी बोल दिया तो एनी पॉइंट तो यहां पर भी हो सकता है ना, डी के ऊपर, तो रिजल्ट सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है एंगल सी पर, तो ये एंगल सी बना देते हैं, एबीसी इस तरीके से बना देते हैं। ठीक, दूसरी बात क्या क्या है कि P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू B, तो P जो है यहां से हमने परपेंडिकुलर बनाया, इसका लंबाई P है बोल रहा है, और साथ में यदि ABC भुजाएं हैं BC, ये BC भुजाएं जो है वो A है और CA जो भुजा है ये B है और AB जो भुजा है ये AB जो भुजा है ये C है, इस तरीके से, तो इनमें से कौन सा सही है। देखिए बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया है, इसका प्रूफ भी बताया है कि डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 1/P² जो होता है 1/A² + 1/B² होता है, इसको आप याद रख लीजिए। बताइए भाई ऐसा कहां दिख रहा है,
यहां तो नहीं दिख रहा है ना इसमें दिख रहा है, तीसरे वाले में सेम यही चीज दिया हुआ है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है एंगल बी पर और बी डी परपेंडिकुलर ए सी पर। इफ ए सी इज इक्वल टू 15, बी सी इज इक्वल टू 8, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी डी, आपको निकालना है। तो देखिए जब फिगर नहीं दिया है, फिगर बनाना जरूरी है। कोण बी पर सम कोण है, तो देखिए यहां से ये बी जो एंगल है, यहां पर बी 90 डिग्री हमने बना दिया, ये बी है, और साथ में ए बी सी ट्रायंगल है, तो ए यहां पर और सी यहां पर होना अनिवार्य हो जाएगा। इसके बाद बोला कि बी डी जो है ए सी पर लंब है, तो बी डी कुछ इस तरीके से लंब हो जाएगा ए सी पर। अब आपको बोला गया है कि ये जो बी सी है और ए सी का लेंथ आपको दिया हुआ है, ए सी का लेंथ है 15 यहां से लेकर यहां तक, बीसी का लेंथ है 8 यहां से लेकर यहां तक, सीडी का वैल्यू आपको लंबाई निकालना है, तो सीडी का लंबाई ये है, इसका वैल्यू आपको बताना है कितना होगा। करेक्ट, सीडी की लंबाई आपको बतानी है। तो बताइए भाई सीडी का लंबाई निकाले तो कैसे निकाले। सिंपल सी बात है, आपको ये समझना होगा कौन सा थ्योरम, इतने सारे थ्योरम हमने देख लिया। अब सोचिए ये 8 मतलब कि बीसी को और ये एसी को और सीडी को कनेक्ट करने वाला फॉर्मूला कौन सा है। देखिए इस पॉइंट के तहत आप समझेंगे कि जो सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया था, इसका जो स्क्वायर होता है वो इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। याद आ रहा है, ग्राफिकली चीजों को समझे तो आपको बहुत आसानी से ये चीजें याद रहेगी। तो अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं कि बीसी का स्क्वायर जो है, बीसी का स्क्वायर होता है सीडी मल्टीप्लाइड बाय सीए। करेक्ट, तो बीसी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, सीडी मतलब सीडी का वैल्यू तो हमें निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय सीए मतलब 15। तो सीडी कितना हो गया, 64 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा, 64 डिवाइडेड बाय 15 ये आपके सीडी का वैल्यू होगा। तुरंत आप यहां पर जो रिजल्ट हमने देखा है, बार बार सिमिलैरिटी के पीछे मत जाइए, सिमिलर है ये समझ के रखिए, और सिमिलैरिटी के तहत जो एप्लीकेशन है डायरेक्ट रिजल्ट को आप याद रखिए और इस क्वेश्चन को फटाफट आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सीबी का स्क्वायर का रिजल्ट है कि वो सीडी और सीए का प्रोडक्ट होता है, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी यानी कि त्रिभुज की सर्वांग समता। सर्वांग समता के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, कैसे ये आया, ठीक है, इसके बारे में सारी चीजें मैं डिस्कस कर लेता हूं आप लोग के साथ। देखिए सिमिलर ट्रायंगल्स में हमने कहा था कि शेप सेम होता है, साइज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं चलता, यहां शेप सेम होने के साथ साथ साइज भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको चेक करने के अलग अलग तरीके, जैसे SSS कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता के भुजा, तीनों भुजा जब बराबर होते हैं तो हम कहते हैं कि ये सर्वांग सम त्रिभुज है। जैसे ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंसी का साइन इस तरीके से होता है ट्रायंगल पीक्यूआर, तो तीनों के तीनों साइड इक्वल है, ये 6 सेंटीमीटर तो ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 तो ये 7 सेंटीमीटर, ये 8 तो ये 8 सेंटीमीटर, इस प्रकार तीनों के तीनों यहां पर साइड्स अगर इक्वल हो गए तो SSS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, सारे एरियाज भी इक्वल होंगे, चाहे वो सर्कम रेडियस हो चाहे सर्कम इन रेडियस हो, सारी चीजें जो है वो सेम हो जाती है। SSS कॉन्ग्रुएंसी से कैसे इसको प्रूफ किया जाता है, तो यहां पर जो दो साइड्स इक्वल हुए, ये दोनों साइड्स इक्वल हुए 5 बराबर 5 6 बराबर 6, तो इसके बीच का इंक्लूडेड एंगल जो है ये 30 डिग्री का हो जाएगा, ये 30 डिग्री का हो गया है। यहां तक बात समझ में आ गई, तो यहां पर 5 बराबर 5 है, 6 बराबर 6, बीच का जो एंगल है 30 डिग्री का, ये दोनों इक्वल हो गए, ट्रायंगल PABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR हो जाता है इस बार, ठीक है। चलिए अब यहां से तीसरा जो है ASA, तो एक बार हमने दो एंगल के साथ इंक्लूडेड, दो एंगल के साथ या दो साइड के साथ इंक्लूडेड एंगल की बात की, अब यहां पर दो एंगल के साथ इंक्लूडेड साइड है। जैसे कि देखिए ASA का मतलब दो एंगल इक्वल और इंक्लूडेड साइड इक्वल, तो यहां पर 120 डिग्री और 25 डिग्री अगर बराबर है, यहां पर 120 डिग्री इसके बराबर, 25 डिग्री इसके बराबर, तो इसके बीच के साइड को इक्वल होना पड़ेगा। क्लियर है। देखिए अगर यहां पर आप 12 को इस तरफ ले लेते हैं, 12 को उठा के मैं यहां पर ले लेता हूं, तो यहां पर भी 12 को उठा के यहां पर करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा। कंफ्यूजन में अभी दूर कर लेता हूं आप लोगों का, क्योंकि देखिए जैसे ही दो साइड हमने इक्वल कर दिया 120 और यहां पर 25 डिग्री, दो एंगल हमने इक्वल कर दिया 120 यहां पर 25 डिग्री, तो तीसरा वाला एंगल जो है बाय डिफॉल्ट जो है वो इक्वल हो जाता है, क्योंकि 120 प्लस 25 कितना हो जाता है, तो 145, मतलब बाय डिफॉल्ट ये वाला 35 डिग्री होगा,
तो ये वाला भी 35 डिग्री होगा। तो क्या यहां पर ASA नहीं लगा? देखिए 35 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में 12 डिग्री है, 35 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में 12 डिग्री है, तो करस्पॉन्डिंग वाला साइड इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी साइड, यहां पर 12 इक्वल है तो वहां पर आप इस PR को 12 इक्वल करके नहीं आप यहां पर इक्वल कर सकते, तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए। तो जैसे कि यहां पर दिया हुआ था कि अगर यहां पर 120 डिग्री और यहां 25 डिग्री है, यहां 120 और 20 25 डिग्री, तो इसके बीच का जो साइड है अगर यहां 12 है तो यहां पर भी 12 होना चाहिए, तब जाके हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। यहां तक क्लियर? आरएचएस वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आरएचएस, राइट हाइपोटेन्यूज एंड साइड। राइट एंगल ट्रायंगल की जब बात होती है तो राइट मतलब कि एक एंगल तो 90 डिग्री दोनों ही ट्रायंगल में होगा, हाइपोटेन्यूज यानी 25 है तो यहां भी 25 है, इसके साथ में कोई भी एक साइड इक्वल हो गया, जैसे अगर यहां पर 7 है तो ये वाला 7 है, तो हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ध्यान ये देना है कि एबीसी मैंने कहा तो ए से मैं जब बी आया तो 7 सेंटीमीटर कवर हुआ, फिर सी आया जो कि यहां पर अननोन साइड है, तो सेम सीक्वेंस फॉलो होना जरूरी है। तो यहां से आपको आर क्यू पी लिखना होगा, आर क्यू पी, ऐसा नहीं कि एबीसी है तो यहां पर भी पी क्यू आर लिख दिया, गलत होगा। ए बी सी की बात हो रही है तो यहां ए बी में पहले आर पी आएगा क्योंकि यहां 7 है, और फिर क्यू पी आएगा जो कि यहां पर अननोन साइड है। ठीक, तो ये हो गई भाई कुछ कॉन्ग्रुएंसी की बात। अब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्ग्रुएंसी, जो आइसोसेलस ट्रायंगल यानी सम द्विबाहु कोण की जब बात होती है तो एक कॉन्ग्रुएंसी होता है, यहां पर समझिएगा, जैसे कि ये ट्रायंगल आपके सामने दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंसी इन एन आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक है, एक आइसोसेलस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं तो आइसोसेलस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है, तो मैंने यहां पर लिखा है एबी जो है इक्वल है एसी के, एबी किसके इक्वल है, एबी इक्वल है एसी के, तो एबी और एसी को हमने इक्वल बनाया हुआ है, तो आइसोसेलस ट्रायंगल यानी सम द्विबाहु कोण है ये। यहां तक क्लियर है बातें? तो जैसे ही ये इक्वल है तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम एडी को बनाते हैं परपेंडिकुलर बीसी के, हम क्या कर देते हैं यहां से एडी ड्रॉप कर देते हैं इस तरीके से कि एडी जो है ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर काट रहा है ऑपोजिट साइड को। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए, अभी अभी हमने क्या देखा, आरएचएस देखा कि नहीं, आरएचएस राइट हाइपोटेन्यूज साइड, तो यहां पर आरएचएस फॉलो हो जाता है। आरएचएस कैसे आया समझिएगा कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री यहां पर भी होगा यानी एडीबी ट्रायंगल में भी होगा, और एडीसी और एडीबी दोनों के दोनों 90 डिग्री हो गए, पहला पॉइंट। साथ में ये वाला साइड जो है एडी और एडी दोनों ट्रायंगल में, लेफ्ट वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल एडीसी दोनों में ये कॉमन है, तो एडी एडी दोनों में कॉमन इक्वल हो गया। साथ में एबी इज इक्वल टू एसी तो है ही ना, क्योंकि एबी और एसी तो आइसोसेलस ट्रायंगल के दो साइड से जो कि इक्वल है। तो आपको ये समझना होगा कि यहां पर ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल एडीसी जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये ट्रायंगल एडीबी और एडीसी जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। इससे ये होता है कि हमने तो बनाया था ये परपेंडिकुलर, लेकिन यही बन जाएगा एंगल बाइसेक्टर, यही बन जाएगा एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ये दोनों कोण को बराबर बराबर में बांटेगा क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। यही बन जाएगा मीडियन, मीडियन इसलिए क्योंकि ये बीडी बराबर सीडी हो गया, तो अगर ये दोनों के मिड पॉइंट पर जुड़ा तो यही माध्य का बन गया। तो ऑल्टीट्यूड से हमने स्टार्ट किया था लेकिन यही ऑल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर भी बन गया, और यही एंगल बाइसेक्टर मीडियन भी बन गया। तो ये केवल सम द्विबाहु त्रिभुज में हो सकता है या इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी हो सकता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक एग्जांपल है आइसोसेलस ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक, तो इसको आप नोट बना के रखिए कि ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल हो जाएंगे इसमें, तो ऑल्टीट्यूड होने के साथ साथ एंगल बाइसेक्टर और मीडियन भी बन जाएगा ये, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब लंब होने के साथ साथ इस भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटे, तो यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन जाएगा। यहां तक आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, चलिए अच्छे से इसका नोट्स बनाइए। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड, ठीक है, जिससे कि अब हमारा जो है फाइनल पार्ट इस वीडियो का है जिसमें कि हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात, ए बी डी सी एक पैरेललोग्राम है, तो जिस सीक्वेंस में बनाया है लिखा है उसी सीक्वेंस में आप पैरेललोग्राम बनाएंगे। ठीक, तो ए बी डी और सी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये हमने बना दिया। डायगनल्स है एडी और बीसी, तो बीसी एक डायगनल है, ये एडी दूसरा डायगनल है, बिंदु ओ पर मिलते हैं तो ये पॉइंट ओ बन गया यहां पर। ठीक, यहां तक बातें क्लियर? इसके बाद बोल रहा है कि हम यहां से एई और डीएफ परपेंडिकुलर बनाते हैं बीसी पर, तो एडी हमने परपेंडिकुलर बनाया, एडी इस तरीके से परपेंडिकुलर बनाया, और डीई
DF यहां पे परपेंडिकुलर बना है, तो ए ई जो है ये भी परपेंडिकुलर है, DF जो है ये भी परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गए। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इन सब में से कौन सा ट्रू है, कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको बताना है। पैरेललोग्राम के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। पैरेललोग्राम मतलब कि ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल होते हैं, बस यही आपको समझना है। तो जैसे ही आप देखेंगे यहां पर क्या क्या चीजें दी हुई है, पहले एबीसी दिया हुआ है, तो यहां से ए बी सी ट्रायंगल की बात हो रही है, तो दूसरे साइड से आपको लेना होगा डी सी बी। बिल्कुल सही है। कैसे सही है भाई, देखिए ये और ये दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है, तो अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। साथ में आप जानते हैं कि अगर ये वाला एंगल अल्फा तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्योंकि ये लाइन भी पैरेलल है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। बीच में आपका BC कॉमन हो गया दोनों में, तो ASA से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ABC ले रहे हैं तो DCB लेना होगा, पहला वाला तो कॉन्ग्रुएंट है। आपको इनमें से कौन सा सही नहीं है ये निकालना था, ठीक है। तो मैं अब यहां से कुछ चीजों को हटा देता हूं जो पहले ऑप्शन से रिलेटेड थे, उन चीजों को यहां से हटा देते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला वाला तो सही है, दूसरे वाले की बात करते हैं। तो ए ओ ई बोल रहा है ये, तो ए ओ ई मतलब ये वाला ट्रायंगल यहां से स्टार्ट हुआ ए, ये ए ओ ई, अगर ए ओ ई आप ले रहे हैं तो इसके साथ आपको लेना होगा डी ओ एफ। बिल्कुल सही है ये भी, क्योंकि देखिए भाई यहां पर आपको समझना होगा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, साथ में ये 90 डिग्री 90 डिग्री, तो साथ में ये तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, मतलब तीनों एंगल तो इक्वल है। लेकिन आपको समझना होगा कि ए डी जो है ये डायगोनल है, डायगोनल बराबर बराबर हिस्सों में बटता है, बाइसेक्ट होते हैं एक दूसरे के डायगोनल, तो AO बराबर यहां पर OD हो गया। तो ASA से हम ये भी कह सकते हैं AOE लिया तो DOF, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों यहां पर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये भी सही है, ठीक है। तो दो यहां पर सही हो गए। चलिए तीसरे वाले की बात करते हैं, तो यहां AE भी दिया है, तो A के बाद E आया फिर B आया, तो यहां से कुछ इस प्रकार चल रही है बातें, A के बाद यहां पर E आया और E के बाद यहां पर B आया, इस तरीके से। तो यहां से अगर आप लेंगे तो D आना चाहिए पहले, फिर F आना चाहिए और C आना चाहिए। बिल्कुल सही, दोनों मिरर इमेजेस है और ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट है भाई, तो देखिए अभी अभी हमने देखा था कि ये ट्रायंगल AOE और ट्रायंगल DOF जो है कॉन्ग्रुएंट है, तो उससे हम ये तो कह ही सकते हैं ना कि ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड दोनों इक्वल होंगे, क्लियर। साथ में ये वाला साइड और ये वाला साइड भी तो इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होंगे। बीच का एंगल जो है वो यहां पर इक्वल होगा साथ में, क्योंकि ये वाला एंगल जो है ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये इक्वल होने ही चाहिए, क्योंकि देखिए या तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होंगे, या फिर आप देख सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल भी इक्वल ही होगा, क्योंकि देखिए भाई ये 90 डिग्री है, ये तो फिक्स्ड है, ये भी 90 डिग्री, ये भी फिक्स्ड है। तो देखिए ये एंगल भी इक्वल, ये एंगल भी इक्वल, ये एंगल भी इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल है, साथ में ये साइड और साथ में ये साइड इक्वल है, मतलब कहीं ना कहीं ये एंगल जो है ये SAS से प्रूव हो जा रहा है, SAS से, कि ये दोनों है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कैसे, देखिए फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला एंगल है। अब आपको समझना होगा कि ये एंगल तो इक्वल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। साथ में क्योंकि ये छोटा ट्रायंगल, पिछले वाले रिजल्ट से आप ये देख सकते हैं कि ये छोटा एंगल और ये छोटा एंगल इक्वल हो, मतलब ये पूरा का पूरा एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल भी इक्वल ही होगा। तो यहां से ए ई बी सीक्वेंस वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ए ई बी ले रहे हो तो यहां से डी एफ सी लेना होगा, दोनों के दोनों सही है ये भी। मतलब इनमें से जो सही नहीं होगा वो केवल ये वाला सही नहीं होगा, तो मैं यहां से आपको बता दूं तो ये वाला सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेंगे अभी, ठीक है। अब देखिए ये जो तीसरा वाला है इसको देख लेते हैं, एडीसी और एबीडी। एडीसी जैसे ही आप लेते हैं तो ए यहां से स्टार्ट होता है, डी पर जाता है और सी पर जाता है। इसके साथ आप एबीसी लेंगे, एबीडी लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए कभी भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं होता, ये वाला एंगल को इक्वल होता है। तो अगर आप यहां पर ट्रायंगल एडीसी की बात कर रहे हैं तो एडीसी के साथ साथ ट्रायंगल डी ए बी आएगा, अगर ऐसा दिया रहता तो बिल्कुल ये कॉन्ग्रुएंट होते, लेकिन सीक्वेंस यहां गड़बड़ा दिया है, एबीडी कर दिया, तो ये गलत होगा, ठीक है। चलिए इसलिए यहां पर सीक्वेंस इंपॉर्टेंट था, तो चौथा वाले का सीक्वेंस गलत है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी है और बीई परपेंडिकुलर टू एडी है ट्रायंगल एबीसी में। तो यहां पर दो एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, इसमें दिया हुआ है एडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी के, और साथ में दिया हुआ है बीई जो है परपेंडिकुलर है एसी के,
ठीक है। और एक बात जो दी गई है एडी जो है बीई को काटता है कहां पर, तो पॉइंट एफ पर, इस पॉइंट पर इसको काटता है, ये पॉइंट आपको एफ दिया हुआ है। अब बोल रहा है बीएफ बराबर एसी है, तो बीएफ कहां है, बीएफ ये है, ये वाला लेंथ बराबर एसी है, मतलब इसके बराबर है, ठीक। तो एंगल एबीसी का माप आपको बताना है क्या होगा, ये एंगल एबीसी है, इसका माप आपको बताना है कि क्या होगा, कैसे निकाल सकते हैं। देखिए भाई, आपको सबसे पहली बात, ये और ये दिया हुआ इक्वल बीएफ और एसी, तो हम इसी पर काम करने की कोशिश करते हैं कॉन्ग्रुएंसी से। क्योंकि देखिए, अगर आप देखें ये वाले एंगल को मैं थीटा ले लेता हूं, इस छोटे वाले एंगल को मैं ले लेता हूं थीटा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। और अगर ये 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा है, तो ये भी लंब है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, मतलब ये थीटा तो ये भी थीटा, दोनों इक्वल होगा। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब देखिए, समझिएगा इस बात को, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। एक एंगल यहां पर क्या है, थीटा है, ये वाला 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये भी तो लंब है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा। ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल भी आपका 90 डिग्री माइनस थीटा है। मतलब देखिए, एक थीटा है, ये भी थीटा है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, बीच का साइड है यहां पर एसी है और बीच का साइड यहां पर बी एफ है, दोनों के दोनों इक्वल है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल बी एफ डी जो है, और ट्रायंगल क्योंकि आपने बी लिया फिर एफ लिया, तो यहां पर आपको ए लेना होगा, फिर सी लेना होगा, और फिर आप आएंगे डी पर, ठीक है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, अब आपको समझ में आएगा कि यहां पर कुछ चीजें सेम है। जैसे कि देखिए, आप देखिए यहां पर एडी ले लेते हैं, अगर आप यहां से एडी लिए, तो एडी के करस्पॉन्डिंग यहां पर आपका बीडी आ जाएगा, एडी के करस्पॉन्डिंग यहां पर बीडी आ जाएगा। अब ये एडी और बीडी है क्या, तो उसके लिए मैं कुछ चीजों को यहां पर हटा देता हूं, जैसे कि ये सारी चीजों को मैं अब हटा देता हूं। यहां से आपको समझना होगा कि एडी जो है वो बराबर है बीडी के, एडी कहां पर है, बीडी कहां पर है, देखेंगे आप इसको तो आपको समझ में आएगा कि एडी यहां पर है और बीडी यहां पर है, और आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो केवल इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल एडीबी को, तो एडीबी तो राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि परपेंडिकुलर है, साथ में आपने कह दिया कि बीडी और ये वाला एडी इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल सम, ठीक है, द्विबाहु सम कोण त्रिभुज में एक एंगल 45, दूसरा एंगल 45, तीसरा एंगल 90 होता है, तो ये भी 45 डिग्री बनेगा, ये भी 45 डिग्री बनेगा, और एक 90 डिग्री बनेगा। आपसे एंगल एबीसी पूछ रहा था, एंगल एबीसी 45 डिग्री हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंसी से इस चीज को आप प्रूफ कर सकते हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर 10 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, तो बीसी जो है बेस है, इसका वैल्यू 10 दिया हुआ है। अब बेस के साथ साथ आपको दिया हुआ है कि इक्वल साइड ऊंचाई दी हुई है साथ में, कि इसकी जो ऊंचाई है ये 12 है, ठीक है। तो आपको बताना है प्रत्येक बराबर बराबर भुजा वाले साइड की लंबाई क्या है, तो ये बराबर साइड है, ये बराबर साइड है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हमने देखा कि जो आप लंब बनाते हैं यही माध्यिका भी बन जाती है, मीडियन, यही एंगल बाइसेक्टर, सब कुछ यही बन जाता है जब इक्वल साइड वाले कोण से आप इसको इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो इसी का आपको फायदा उठाना है कि अगर ये 10 है तो ये 5 बन जाएगा, ये भी 5 बन जाएगा दोनों तरफ। और इस ट्रायंगल की बात करें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और आप जानते हैं कि 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। अगर ये 5 है ये 12 है, तो तीसरा साइड हाइपोटन्यूज बन जाएगा, ये बन जाएगा 13। और आपसे यही पूछ रहा था, प्रत्येक भुजा की लंबाई बताना है जो इक्वल है, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड। तो प्रत्येक यहां पर समान भुजा होगा, इसका थोड़ा सा टाइपिंग एरर हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इंग्लिश में सवाल सही है, लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड निकालना था, तो एसी एसी जो है 13 सेंटीमीटर वाला है, ये सही हो जाएगा, क्लियर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो आपका एक कॉन्ग्रुएंसी होता है, जिसको हमने देखा था यहां पर, उसके ऊपर डायरेक्ट ये रिजल्ट बेस्ड है। तो हम यहां पर कॉन्ग्रुएंसी से आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो चीजें होती है उसको हम समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं हम, इस पैटर्न के क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंसी कैसे यूज होता है। देखिए, यहां दिया हुआ एडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल बीएसी का, जो कि 111 डिग्री है। तो एंगल बीएसी एक इस तरीके से एक एंगल है बी ए सी, और यहां पर बोला गया कि ये पूरा का पूरा जो है 111 डिग्री है, 111 डिग्री आपको बोला गया है। एडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है बीएसी का, तो एडी जो है कुछ इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा एडी, और बोला गया एबी प्लस बीडी बराबर एसी है। इस चीज को समझिएगा, इसका हम कैसे यूज करें। देखिए भाई,
बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। मान लेते हैं कि इसका लेंथ एक्स है, ए बी का लेंथ, ठीक है, ए बी का लेंथ एक्स है और साथ में बी डी का लेंथ जो है ये वाई है। तो ए सी का जो वैल्यू दे रहा है ये ए बी प्लस बी डी दे रहा है, मतलब ये जो लेंथ होगा ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहां तक क्लियर? आपको बताना है ए सी बी का वैल्यू। ए सी बी कहां दिखाई दे रहा है? ए सी बी यहां दिखाई दे रहा है। अब आप खुद सोचिए, कुछ इस तरीके से आपको यहां पर जो ये वाला लेंथ है ना एक्स प्लस वाई, इसको कुछ इस तरीके से तोड़ना होगा कि एक लेंथ एक्स हो एक लेंथ वाई हो और ये हमारे काम आए। हमारे काम आने का मतलब यह है कि आप कुछ इस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी इसमें प्रूफ कर पाए। ठीक, चलिए कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। आपको क्या दिया है कि ये जो एडी है एंगल बायसेक्टर, क्या दिया? एंगल बायसेक्टर दिया हुआ है, मतलब समझिएगा एंगल बायसेक्टर का मतलब ये होता है कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, दोनों के दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। ये पहली बात। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहां पर ये वाला लेंथ एक्स है और साथ में ये लेंथ एडी है, तो मैं क्या करूंगा यहां पर एक ऐसा पॉइंट पर जाकर इसको तोड़ूंगा कि सच दैट ये वाला लेंथ एक्स हो ये वाला लेंथ वाई हो और मैं इसे जोड़ दूंगा, इसे जोड़ दूंगा। इससे फायदा ये हुआ कि सपोज करिए इस पॉइंट को मैं डी मान लेता हूं। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो एंगल है ये साइड एक्स है, ये साइड एडी, एडी कॉमन हो गया दोनों में, ये साइड एक्स है और ये अल्फा अल्फा। तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से, साइड ए एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल बी एडी जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ई एडी के, ट्रायंगल ई एडी के। देख पा रहे हैं आप ये दोनों ट्रायंगल को, ट्रायंगल बी एडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई एडी, क्योंकि ये अल्फा एंगल बायसेक्टर होने की वजह से कोण समद्विभाजक है, साथ में ये एडी एडी दोनों में कॉमन हो गया और ये साइड एक्स है तो ये साइड एक्स है। तो हमने क्या किया है, इस एक्स प्लस वाई को ऐसे जगह पे लाके तोड़ा जहां पर ऊपर वाला एक्स हो जाए नीचे वाला वाई हो जाए, क्योंकि आपको गिवन था कि ए बी प्लस बी डी जो है वो इस ए सी के बराबर है। तो अगर ए बी का लेंथ एक्स है तो यहां से लेकर यहां तक ए का लेंथ एक्स मैंने मान लिया, तो एक कंस्ट्रक्शन हमने किया है इस तरीके से कि एक्स प्लस वाई में इसको तोड़ दे। इससे फायदा क्या हुआ समझेगा कि यहां से आपका जो है ये वाला जो लेंथ है वाई था बी डी, ठीक है, बीडी का लेंथ आपको वाई दिया हुआ था कि नहीं, तो बीडी का लेंथ जो वाई दिया हुआ था इसका लेंथ जो है बीडी बराबर, यहां से अगर आप बीडी लेंगे तो ये ईडी के बराबर हो जाएगा, मतलब यहां जो ईडी है ये भी वाई होगा, इस ईसी के वाई होने के साथ साथ ये भी वाई हो जाएगा। ठीक, अब चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी, क्योंकि देखिए अगर मैं इस एंगल को थीटा लूं तो ये भी थीटा होगा। क्या आप मेरी बातों से सहमत है? बताइए ऐसा क्यों? सोचिए, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया भाई, ECD isosceles triangle बन गया, क्योंकि ये y था और ये भी y आएगा congruency से, और अगर ये थीटा है तो opposite वाला साइड भी थीटा होगा, दोनों के दोनों opposite angles थीटा होगा। अब ये exterior angle का काम कर रहा है तो थीटा प्लस थीटा टू थीटा ये हो जाएगा, और ट्रैंगल AED, एंगल AED की बात करूं तो एंगल AED जो है वो इस ट्रैंगल से हमने निकाला तो ये एंगल ABD के बराबर होगा congruency से। तो अगर एंगल ABD के ऊपर थोड़ा सा आप नजर डालेंगे तो ये भी टू थीटा हो गया। यहां तक समझ में आ गई बातें? ये अगर थीटा है तो ये टू थीटा है। अब मैं सारी चीजों को हटा देता हूं, बस जो काम की चीज है उसके ऊपर हमारा ध्यान जाएगा। ठीक है, सारी चीजें हटा देते हैं। सॉल्व हो गया क्वेश्चन? बताइए सॉल्व हुआ कि नहीं? देखिए ये 111 डिग्री दिया हुआ है, ये 111 डिग्री दिया, ये थीटा दिया, ये टू थीटा दिया। आपको क्या निकालना था? एसी भी निकालना था। किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोण का सम 180 होता है तो थीटा प्लस थ्री टू थीटा हो गया थ्री थीटा, प्लस 111 डिग्री बराबर हो गया 180 डिग्री, मतलब कि थ्री थीटा बराबर क्या हो गया, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो 69 डिग्री आ जाएगा। थीटा से थ्री से इसको काट देंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 23 डिग्री, मतलब ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए, क्लियर? यहां तक बातें समझ में आ गई? एक और सवाल सेम पैटर्न का आपके स्क्रीन पर है, ये आपके प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, सेम कॉन्ग्रुएंसी के तहत इसको सॉल्व करेंगे। एंगल पी बराबर 120 डिग्री दिया है, तो ये पी है, ये कितना है 120 डिग्री आपको दिया हुआ है ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो इसको क्यू मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने पी एस बना दिया परपेंडिकुलर क्यू आर पर, तो यहां से पी एस हम बना लेते हैं परपेंडिकुलर क्यू आर पर, सच दैट पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर है एस आर के। तो देखिए पी क्यू कहां है, पी क्यू है यहां पर, इसको एक्स ले लीजिए, क्यू एस कहां है यहां पर वाई, ये बराबर है एस प्लस आर के, तो ये एक्स प्लस वाई है। अब इस एक्स प्लस वाई को तोड़ना होगा एक्स और वाई में। अब फायदा किसमें है उस पर आप सोचिएगा, वाई इधर लेना फायदे में है कि एक्स इधर लेने फायदे? देखिए भाई ये बेस का काम कर रहा है,
ठीक है, बेस का काम कर रहा है जहां पे आपने परपेंडिकुलर बनाया। तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूं यहां पर टी, सच दैट ये जो टी एस है इसका वैल्यू वाई है और ये जो टी आर है इसका वैल्यू एक्स है। इस तरीके से हम इसको जोड़ लेते हैं। इससे क्या फायदा हुआ भाई? इससे फायदा यह हुआ कि यही मीडियन है और यही परपेंडिकुलर है, और मीडियन और परपेंडिकुलर यही होने का मतलब यह है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। या फिर आप अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल भी नहीं समझ पा रहे तो ऐसा समझिए कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये वाई है, ये वाई है, साथ में ये एसपी है, एसपी है, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंस से, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस से ट्रायंगल पी एस क्यू, पी एस क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, तो ट्रायंगल पी एस टी के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इससे ये होगा कि पी क्यू अगर आप यहां से लोगे तो पी क्यू बराबर हो जाएगा पी टी के, मतलब ये एक्स तो ये भी एक्स हो गया, ये एक्स तो ये भी एक्स हो गया। जो फाइंड करना था एंगल क्यू फाइंड करना था, तो अब कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे समझते हैं? देखिए, अगर आपको पी क्यू क्यू एंगल निकालना है तो इस क्यू एंगल को मान लेते हैं थीटा। अब क्योंकि पी एस बराबर, ठीक है, पी एस और ये इक्वल है, चलिए इसको थीटा लेने से ज्यादा बेहतर होगा कि मैं उस वाले से थीटा ले लूं। क्योंकि देखिए, अगर मैं इसको थीटा लेता हूं तो ये एक्स है, ये लेंथ एक्स हमने कैलकुलेट किया था ना, टी को इस तरीके से बांटा था कि अगर ये वाई है तो ये एक्स होगा, और अगर ये एक्स है तो ये एक्स हो गया। कॉन्ग्रुएंसी से हमने अभी अभी देखा पीटी भी एक्स हो गया, तो अगर ये थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। उससे ये जो एक्सटीरियर एंगल आया क्यू टी पी, इस ट्रायंगल टी पी आर का एक्सटीरियर एंगल है, तो ये टू थीटा बन जाएगा। अब अगर ये लेंथ एक्स है तो ये लेंथ भी एक्स होगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा टू थीटा के बराबर, क्योंकि अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, टू थीटा दोनों के दोनों इक्वल होगा। अब जो अनवांटेड चीजें उसको हटा दीजिए, सिंपल से आपको सारी चीजें क्लियर दिखाई देने लगेंगी। देखिए, ठीक है, बाकी सारी चीजें हटा देते हैं, केवल जो काम की चीजें उसको रखते हैं यहां पर। ये ट्रायंगल PQR आपको दिखाई दे रहा है, ये थीटा, ये टू थीटा, ये 120 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो थीटा प्लस टू थीटा थ्री थीटा प्लस 120 डिग्री बराबर होता है 180 डिग्री के, तो थ्री थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री के, तो थीटा बराबर 20 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो टू थीटा है, टू थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 40 डिग्री, 40 डिग्री, सी जो सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया कॉन्ग्रुएंसी को किस तरीके से इस तरीके के सवाल में यूज करना है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों। चलिए, तो एक आखिरी सवाल देखते हैं, यहां पर आपके स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी है जिसमें एडी परपेंडिकुलर है, एंगल बायसेक्टर एडी जो है इस परपेंडिकुलर टू द इंटरनल एंगल बायसेक्टर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। एक एबीसी ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, ए बी सी इस तरीके से, और एडी परपेंडिकुलर है किस पर, तो एबीसी के कोण समद्विभाजक पर आपका लंब है एडी, ठीक है। अब देखिए, इसका कोण समद्विभाजक मतलब कुछ इस तरीके से, जो इसको दो बराबर हिस्सों में बांटे और यहां से हमने बना दिया लंब, तो ये 90 डिग्री पर जाकर इसको काट रहा है। यहां तक समझ में आ गई बातें? अब डी, इस पॉइंट पर डी पे जाके मिलता है। अब क्या किया गया है, तो डी से हम एक पैरेलल बनाते हैं बीसी पर, जो बीसी के पैरेलल, तो इस तरीके से पैरेलल लाइन रहेगा, क्योंकि ये इस तरीके से पैरेलल बन रहा है कि ये बीसी के पैरेलल है। ये एसी को कहां पर जाके मिलता है, तो बिंदु ई पर जाके मिलता है, यहां पर ये दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एसी की लंबाई 16 है, तो ये 16 है, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई 16 है। आपको एई की लंबाई निकालनी है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की लंबाई आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखिए, इस फिगर को देखकर बहुत कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहां पर इस एडी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके यहां तक खींच लेता हूं, एडी को मैं एक्सटेंड कर देता हूं पूरा का पूरा नीचे तक, ई तक, तो हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया। सिंपल सी बात आपको यहां पर समझनी है कि ये 90 डिग्री होगा। अरे भाई, अगर ये एडी परपेंडिकुलर है एंगल बायसेक्टर पे, तो ये तो परपेंडिकुलर होगा, इस पर भी पूरे एई पर परपेंडिकुलर हो गया। मतलब कि आपको यहां दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल एडीबी और एक ट्रायंगल ईडीबी। ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल, अच्छा ई है ना, इसको एफ मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं, एफडीबी, ये दोनों ट्रायंगल में आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री। एंगल बायसेक्टर है बीडी, क्योंकि इसके इंटरनल एंगल बायसेक्टर पे जाकर ये लंब था, तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा, दोनों एंगल सेम है। बीच का जो साइड है बीडी बीडी, इसमें भी है, इसमें भी कॉमन हो गया, मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, तो आपको समझना होगा कि आपने यहां पर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है,
ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा क्योंकि AD इज इक्वल टू FD हो गया। अगर AD इज इक्वल टू FD हो गया तो इसका मतलब ये है कि AD और FD दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, AD और FD दोनों के दोनों इक्वल हो गए, करेक्ट। तो अब आप समझिए, जब भी हम एक लाइन पैरेलल बनाते हैं, इस ट्रायंगल को देखना, यहां पर AFC ट्रायंगल बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम जो हमने पिछले वीडियो में कवर करके रखा है, AD और DF जो है इसको 1:1 में बांटना है। पैरेलल लाइन जो होता है, किसी भी साइड के पैरेलल जब आप कोई लाइन बना दें तो ये इक्वल रेशियोस में सबको काटता है, मतलब अगर यहां 1:1 में काट रहा है, मिडिल पॉइंट है, तो ये इसका भी मिडिल पॉइंट होगा, 1:1 में काटेगा, मतलब अगर पूरा का पूरा 16 है तो ये वाला 8 हो जाएगा, ये वाला भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या था, AE निकालना था, तो AE 8 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि E जो है इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। यहां तक क्लियर? चलिए अब मैं यहां पर इस वीडियो को रोकता हूं। ट्राइंगल्स की जो सीरीज चल रही है, इसका एक फाइनल वीडियो और बचा हुआ है जिसमें सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, चार अलग अलग प्रकार के सेंटर्स होते हैं जिसको इकट्ठा मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कौन सा सेंटर क्या होता है। फाइनल पार्ट है आपके ट्रायंगल का, उसके बाद हम सर्कल स्टार्ट करेंगे। तो ज्योमेट्री की सीरीज, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, चार क्वेश्चंस हैं और इसमें काफी कुछ आपको पढ़ना है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा, सारे वीडियोस कंप्लीट करिएगा क्योंकि ज्योमेट्री का वेटेज ज्यादा है आपके, ना सिर्फ प्रीलिम्स में बल्कि जब आप सीजीएल का मेंस देते हैं तो वहां पर भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिए। चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ इस वीडियो को मैं यहां रोकता हूं। थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही।